जी आज हम इंशाल्लाह आयत नंबर 20 से शुरू करेंगे सूरह लुक्मान की आयत नंबर 20 से। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अलम तरौ अन्नल्लाहा सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने जो तुम्हारे लिए मुसख्खर किया जो भी आसमान और ज़मीन में है। व असबग़ अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिना, और अल्लाह ने तुम्हें भरपूर अता की अपनी नेमतें ज़ाहिर भी और छुपी हुई भी। व मिनन्नासि मन युजादिलु फिल्लाह, यानी बहुत सी नेमतें अल्लाह की ऐसी हैं जो ज़ाहिर नज़र आती हैं, बहुत सी नेमतें ऐसी हैं जो ज़ाहिर नज़र नहीं आती लेकिन वो मौजूद होती हैं। जैसे मोहब्बत हो गई, इसी तरीके से मुसलमानों की आपस में जो है उल्फत हो गई, ये सारी चीज़ें इंसान को बज़ाहिर नज़र नहीं आती लेकिन ये वहाँ पर मौजूद होती हैं, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतें। उमिनन्न, इसी तरीके से अमन हो गया, किसी भी इलाके में अमन होना ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। उमिनन्नासी, और लोगों में से, मैं युजादिलु फिल्लाहि बिगैर इल्मिन, कुछ ऐसे भी हैं जो अल्लाह के बारे में बग़ैर इल्म के झगड़ते हैं। वला हुदन वला किताब मुनीर, और बग़ैर हिदायत के और बग़ैर किसी रोशन किताब के, बग़ैर किसी रोशन दलील के वो अल्लाह के बारे में झगड़ते हैं। व इज़ा क़ीला लहुम इत्तबिऊ, और जब कहा जाए उनसे कि तुम पैरवी करो, तुम फॉलो करो, मा अन्ज़लल्लाहु, जो अल्लाह ने नाजिल किया, क़ालू बल नत्तबिउ मा वजदना अलैहि आबाअना, तो वो कहते हैं कि हम तो फॉलो करेंगे जो हमने अपने बाप दादा के पास पाया, जो हमारे बाप दादा इबादत करते हैं हम उसी को फॉलो करेंगे। अवलव कान शैतान यदउहुम इला अदाबिस्सईर, अल्लाह पूछते हैं क्या अगर शैतान उनको दोज़ख़ की तरफ बुलाए तब भी वो यही करते रहेंगे, यानी जो उनका बाप दादा का मजहब है, अगर शैतान ने उनको गुमराह कर दिया और दोज़ख़ की तरफ ले गया, क्या तब भी तुम उनको फॉलो करोगे। वमन युस्लिम वजहहु लिल्लाह, और वो बंदा जो झुका दे अपना चेहरा अल्लाह के लिए, वहुवा मुहसिनुन, वो नेक हो, फ़क़द इस्तमसक बिल्उरवतिल वुस्का, तो उसने एक मज़बूत हलक़े को, बहुत मज़बूत चीज़ को थाम लिया। व इलल्लाहि आक़िबतुल उमूर, और अल्लाह ही की तरफ तमाम उमूर का अंजाम है, तमाम मामलात का अंजाम अल्लाह के हाथ में। वमन कफर फ़ला यहज़ुन का कुफ्र, और जो कुफर करे तो आपको ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका कुफर कहीं गमगीन न कर दे, यानी आपको उनके कुफर के बारे में गमगीन नहीं होना चाहिए। इलैना मर्जिउहुम, हमारी तरफ उनका लौटना है, फ़नुनब्बिउहुम बिमा अमिलू, बस हम उनको ख़बर देंगे जो वो अमल किया करते थे। इन्नल्लाह अलीमुम बिदाति सुदूर, बेशक अल्लाह ताला खूब जानने वाले हैं दिलों के भेदों को। नुमत्तिउहुम क़लीलन, हम उनको थोड़ा सा फ़ायदा देंगे दुनिया में, थुम्म नुत्तरुहुम इला अज़ाबिन ग़लीज़, फिर हम उन्हें खींच लाएँगे सख्त अज़ाब की तरफ। वला इन सअलतहुम मन ख़लक़ अस्समावाति वल अर्ध लयक़ूलुन्नल्लाह, अगर आप इनसे पूछिए कि कौन सी ज़ात है जिसने पैदा किया आसमान और ज़मीन को, तो सब कहेंगे मिल के कि अल्लाह ने पैदा किया। कुल अल्हम्दुलिल्लाह, कह दीजिए हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह के लिए है, बल अक्सरहुम ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं और अल्लाह का हक़ नहीं अदा करते। लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, अल्लाह ही के लिए है जो भी आसमान और ज़मीन में है। इन्नल्लाह हुवल गनीयुल हमीद, अल्लाह ताला बहुत बेनियाज और तारीफ़ किया गया है। वलौ अन्नमा फिल अर्द मिन शजरतिन अक़लाम, दुनिया में जितने भी दरख्त हैं अगर वो सब के सब कलम बन जाएँ। वलबहरु यमुद्दुहु मिन बादिही सबअतु अबहरिन, और समुंदर जो हैं वो स्याही बन जाएँ, बल्कि सात समुंदर मज़ीद ले आए जाएँ स्याही बना के। मा नफीदत कलिमातुल्लाह, और वो सारे अल्लाह ताला के कलिमात और अल्लाह की तारीफ़ात लिखना शुरू कर दें, कभी भी अल्लाह के कलिमात ख़त्म नहीं होंगे। इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, अल्लाह बहुत गालिब और हिकमत वाले हैं। मा खल्क़ुकुम वला बअथुकुम इल्ला कनफ्सिन वाहिदा, तुम सब की पैदाइश और उसके बाद तुम सब का जी उठना एक जान की पैदाइश और जी उठने के मुताबिक के बराबर है, की तरह है। अल्लाह के नज़दीक ये ऐसे ही है जैसे कि एक जान को अल्लाह ने पैदा करना है, उसको मारना है और उसको दोबारा ज़िंदा करना है। इन्नल्लाह समीउन बसीर, बेशक अल्लाह ताला सुनने वाले और देखने वाले हैं। अलम तर अन्नल्लाह युलिजुल लैला फिन नहार, क्या तुमने नहीं देखा अल्लाह दाखिल करता है रात दिन में, वो युलिजुन नहार फिल लैल, और दिन को रात में दाखिल करता है। वसख्खर अश्शम्स वल क़मर, और उसने मुसख्खर किया चाँद को भी और सूरज को भी। कुल्लु यजरी इला अजल मुसम्मा, हर एक चल रहे हैं अपनी मुकर्ररा मुद्दत तक, जो अल्लाह ने मुकर्ररा मुद्दत रखी है उस तक वो चल रहे हैं। वअन्ना अल्लाह बिमा तअमलून खबीर, और अल्लाह ताला जो तुम अमल करते हो उसका खूब खबर रखने वाले। इसका मतलब है ये चाँद और सूरत ये सब कुछ जो अभी नज़र आ रहा है, ये आपको पूरा जो आसमानों के ऊपर जो भी सिस्टम अल्लाह ताला ने निज़ाम रखा है, ये कुछ मुकर्ररा मुद्दत तक, एक वक्त आएगा ये सब ख़त्म हो जाएगा। ذلك بأن الله هو الحق, यही अल्लाह है वही हक है। وأن ما يدعون من دونه الباطل, और अल्लाह के अलावा जिनको ये पुकारते हैं वो बातिल है, वो झूठ है। وأن الله هو العلي الكبير, और अल्लाह ताला बहुत बुलंद मरतबे वाले और बढ़ाई वाले। ألم تر أن الفلك تجري في البحر,
क्या नहीं देखा आपने कि कश्ती किस तरह चलती है समुंदर में। बिनिअमतिल्लाहि लियुरियकुम आयातिही, अल्लाह की नेमत है तुम पर, ये अल्लाह की नेमत के साथ वो किस तरीके से पानी में और समुंदरों में चलती है। लियुरियकुम आयातिही, ताकि अल्लाह तुम्हें दिखाए अपनी निशानी, अपनी निशानियाँ। इन फी ज़ालिका लआयातिल लिकुल्लि सब्बारिन शकूर, बेशक इसमें निशानियाँ हैं हर बड़े सब्र करने वाले और शुक्र करने वाले के लिए। वइज़ा ग़शियहुम मौजुन कज़्ज़ुलल, जब उन पर छा जाती है कोई समुद्री मौज या समुद्री लहर, कज़्ज़ुलल साइबान की तरह, यानी इतनी बड़ी मौज आती है कि बिल्कुल उनके ऊपर साइबान या छत की तरह आ जाती है। दअउल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन, तो वो अपने दीन को खालिस करते हुए सिर्फ़ अल्लाह को पुकारते हैं, तमाम इबादतें सिर्फ़ अल्लाह के लिए ख़ास कर देते हैं। फ़लम्मा नज़्ज़ाहुम इलल बर्रि फ़मिन्हुम मुक्तसिद, तो जब हम उनको खुशकी की तरफ उनकी हम उनको रहनुमाई करते हैं, उसको बचा लेते हैं और उनको खुशकी की तरफ ले जाते हैं, तो बहुत थोड़े हैं जो सही रस्ते पर रहते हैं। वमा यजहदु बिआयातिना इल्ला कुल्लु खत्तारिन कफूर, और इनकार नहीं करता हमारी आयतों का सिवाय हर वादा खिलाफी करने वाला और नाशुक्र आदमी। या अय्युहन नासु इत्तकू रब्बकुम, ए लोगो अपने रब से डरो। वख्शौ यौमन ला यज्ज़ी वालिदुन अन वलदिही, और खौफ खाओ उस दिन से नहीं काम आएगा वालिद किसी बेटे को, किसी बेटे को उसके अपने वालिद का कोई फ़र्क नहीं होगा। जी मेरा बाप बहुत नेक आदमी था, बहुत बड़ा था, हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं, अल्लाह कहते हैं क़यामत के दिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा कि आपके वालिद कितने नेक थे और कितने बड़े थे, आपकी वालदा कितनी तहज्जुद गुजार थी। वला मौलूदुन अन जाज़िन हुवा, वला मौलूदुन हुवा जाज़िन अन वालिदिही शैया, और इसी तरीके से कोई बेटा किसी बाप को भी काम नहीं आएगा। एक बाप कहे जी मेरा बेटा बड़ा नेक है, बड़ा वो परहेजगार है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना, आपको अपना फ़ायदा होगा, अपने अमाल का फ़ायदा होगा। इन वादल्लाही हक़्क़ुन, अल्लाह ताला का वादा सच्चा है। फ़ला तग़ुर्रन्नकुम अल्हयातुद दुनिया, तो दुनिया की ज़िंदगी कहीं तुम्हें धोखे में न डाल दे। वला यग़ुर्रन्नकुम बिल्लाहिल ग़ुरूर, और धोखेबाज़ कहीं तुम्हें अल्लाह के बारे में धोखे में न डाल दे। धोखेबाज़ मुराद यहाँ पे शैतान है। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस सा, बेशक अल्लाह के यहाँ, अल्लाह के पास क़्यामत के दिन का इल्म है। वह युनज़्ज़िलुल ग़ैसा, वो बारिश नाजिल करता है। वयअलमु मा फ़िल अरहाम, और वो जानता है कि पेटों के अंदर क्या है, इंसान यानी माओं के पेटों में, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो। वमा तदरी नफ्सुम मादा तक्सिबु गदा, और नहीं जानता कोई भी शख्स कि उसने कल क्या अमल करना है, यानी उसके साथ क्या मामलात होने वाले हैं। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, और नहीं कोई शख्स जानता कि किस ज़मीन में और किस जगह पे उसको मौत आएगी। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, ये अल्लाह ही है जो जानने वाला और ख़बर रखने वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आगे सूरह सजदा है, मक्की सूरत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जुमे की रोज़ फजर की नमाज में पहली रकत में सूरह सजदा की तिलावत किया करते थे, और इस तरीके से दूसरी रकत में सूरतुद्दहर की तिलावत किया करते थे। इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है और बहुत ही खूबसूरत सूरत है। अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम, तंजीलुल किताबी, नाज़िल करना इस किताब का। ला रईब फीही, नहीं है इसमें कोई शक। मिन रब्बिल आलमीन, ये किसकी तरफ से नाजिल की गई है, रब्बुल आलमीन की तरफ से। अम यकूलून अफ्तरा, क्या वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अपनी तरफ से घड़ लिया। बल हुवल हक़ मिन रब्बिक, बल्कि ये तो हक है तुम्हारे रब की तरफ से। लितुंदिर क़ौमन मा अताहुम मिन नज़ीर मिन क़ब्लिका लअल्लहुम यहतदून, ताकि आप डराइए ऐसी कौम को कि आपसे पहले उनके पास कोई डराने वाला नहीं आया। क्यों डराइए? ताकि शायद वो यानी कि हिदायत पा लें, कामयाब हो जाएँ, सही रस्ते की तरफ आ जाएँ। अल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द, अल्लाह ही है वो ज़ात जिसने पैदा किया आसमानों को और ज़मीन को। वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्यामिन, और जो उनके दरमियान है 6 दिनों में। थुम्मा इस्तवा अलल अर्श, फिर अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी हो गए। मा लकुम मिन दूनिही मिन वलिय्यिन वला शफीअ, तुम्हारे लिए उसके सिवा कोई दोस्त भी नहीं है और ना कोई सिफारिशी है, यानी अल्लाह को छोड़ के ना तुम कोई दोस्त पा सकते हो, ना किसी की कोई सिफारिश तुम्हारे काम आ सकती। अफला तत्तज़क्करून, कि तुम गौर व फिक्र नहीं करते। युदब्बिरुल अम्र मिनस्समाई इलल अर्द, वो हर काम की तदबीर करता है आसमान से ज़मीन तक। आसमान और ज़मीन के दरमियान जितने भी मामलात हैं, एक एक चीज़ अल्लाह की तदबीर के मुताबिक चल रही है। थुम्मा यअरुजु इलैहि फ़ी यौमिन, फिर वही मामला, वही तदबीर अल्लाह की तरफ लौटेगी उस दिन। कान मिक़दारुहु अल्फ सनतिन, जिसकी मिक़दार 1,000 साल है। मिम्मा तउद्दून, उससे जो तुम शुमार करते हो, यानी तुम्हारे नज़दीक जो 1 साल है, अगर 1,000 साल बन जाएँ तो क़यामत, यानी उस अल्लाह ताला के यहाँ वो 1 दिन शुमार होता है, और उस दिन यानी अल्लाह ताला 1 दिन में पता नहीं कितने मामलात हैं आसमान और ज़मीन के, वो सब के सब अल्लाह की तरफ लौटते हैं, अल्लाह उनकी तदबीर करते हैं। ज़ालिका आलिमुल ग़ैब व शहादा, ये वो ज़ात है जो जानने वाली है ग़ैब को और ज़ाहिर को। अल अज़ीज़ुर रहीम, ग़ालिब और बहुत रहम करने वाली ज़ात। अल्लज़ी अहसन कुल्ल शैइन,
वो ज़ात जिसने हर चीज़ को बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया, खलकहू जो भी उसने पैदा किया उसके अंदर बहुत खूबसूरती से उसको पैदा किया, वबदा खलकल इंसान मिन तीन और इंसान की पैदाइश की मिट्टी से, इंसान को मिट्टी से अल्लाह ने पैदा किया और खूब बनाया, थुम्मा जअला नस्लहू मिन सुलालतिन मिन माइन महीन, इंसान को पहले इंसान को तो मिट्टी से बनाया लेकिन उसके बाद उसकी नस्ल किस तरह चलाई, हकीर पानी के खुलासे से, जो जो आपके स्पर्म्स होते हैं उससे इंसान की नस्ल चलाई, यहाँ पे हकीर पानी से मुराद वो चीज़, थुम्मा सवाहू फिर ठीक किया उसको, वनफख फीही मिन रूहिही और अपनी तरफ से अपनी रूह उसमें फूंकी, वजअला लकुम अस्समअ वल अबसार वल अफ़ीदा और बनाए तुम्हारे लिए तुम्हारे कान तुम्हारी आँखें और तुम्हारे दिल, कलील अम्मा तशकुरून बहुत कम लोग ऐसे हैं तुम में से जो शुक्र करते हो, वकालू अईदा वल्ला फिल अर्दी इन्ना लफी खल्किन जदीद और उन्होंने कहा कि अगर हम ज़मीन में घूम जाएंगे मिट्टी में मिल जाएंगे, इन्ना लफी खल्किन जदीद क्या हम दोबारा हमारे लिए ज़िंदा होना है, यानी हम दोबारा ज़िंदा हो जाएंगे, बलहुम बिलक़ा रब्बिहिम काफिरून बल्कि वो अपने रब की मुलाकात के बारे में कुफर करते हैं उनका इनकार करते हैं, यानी जो बंदा ये सवाल करता है असल में वो आखिरत का इनकार कर रहा है, कुल यतवफ्फाकुम मलकुल मौत अल्लज़ी वुक्किल बिकुम, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दीजिए तुम्हारी रूह कौन निकालता है, मलकुल मौत मौत का फरिश्ता, अल्लज़ी वुक्किल बिकुम जो तुम पर मुकर्रर किया गया जिसकी जिम्मेदारी है तुम्हारी जान निकालना, थुम्मा इला रब्बिकुम तुरजऊन फिर तुम अपने रब की तरफ लौटाए जाओगे, वलौ तरा इज़िल मुजरिमून नाकिसू रुऊसिहिम इंद रब्बिहिम, हाय काश अगर तुम देख लो मुजरिमों को जब वो अपने रब के सामने अपने सर झुकाए खड़े होंगे क़यामत के दिन, रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहन, वो कहेंगे हाय अल्लाह है हमारे रब हमने देख भी लिया सुन भी लिया अब ऐसा कीजिए कि हमें लुटा दीजिए दोबारा दुनिया में ताकि हम अच्छे अमल कर सकें, इन्ना मुकीनून अब हमें यकीन आ गया हम यकीन करने वाले हैं पहले यकीन नहीं आया था, वलौ शिअना लआतैना कुल्ल नफ्सिन हुदाहा, अल्लाह कहते हैं अगर हम चाहते तो हम हर जान को हिदायत दे देते उसकी, हर चांद को हम हिदायत दे देते हर इंसान को हिदायत दे देते, वलाकिन हक़ल क़ौलु मिन्नी लेकिन फ़ैसला हमने पहले ही कर रखा है, वो फ़ैसला क्या है मेरी तरफ़ से पहले ही ये बात तय हो चुकी है, लअम्लअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासि अजमईन के मैं ज़रूर भरूंगा जहन्नम को जिन्नों से और इंसानों से सब के सब, फ़दूक़ू बिमा नसीतुम पस चखो जो तुमने बुला दिया, इन लिक़ा यौमिकुम हाज़ा आज की इस मुलाकात के दिन के बारे में जो तुमने बुला दिया था आज उसका मज़ा चखो, इन्ना नसीनाकुम आज हम भी तुम्हें बुला देंगे, फ़ज़ूकु वज़ूकु अज़ाब अल खुल्दी और हमेशगी का अज़ाब चखो, बिमा कुंतुम तअमलून क्यों अज़ाब मिल रहा है क्योंकि तुम बहुत बुरे अमल किया करते थे, इन्नमा युमिनु बिआयातिना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिहा वो लोग जो ईमान लाते हैं हमारी आयात पर जब उनके सामने जब उनको नसीहत की जाती है इस कुरान के ज़रिए इस हिदायत के ज़रिए वही के ज़रिए, खर्रू सुज्जदन वो गिर पड़ते हैं सजदे में, وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ اور وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اپنی رب کی تعریف کرتے ہوئے، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اور وہ تکبر نہیں کرتے، تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ ان کے پہلو ان کے جسم اپنے بستروں سے گرم گرم بستروں سے دور رہتے ہیں، راتوں کو دل ان کا بھی چاہتا ہے سوئیں لیکن اللہ کی یاد میں وہ کیا کرتے ہیں ان کے جسم اپنے بستروں پہ نہیں رہتے وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے ہوئے اور امید سے، डर भी होता है कि अल्लाह का अज़ाब से डरो लेकिन उसके साथ साथ मोहब्बत और उम्मीद भी होती है कि अल्लाह की जन्नतें अल्लाह हमें उनका वारिस बना दे, और मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून और जो हमने उनको रिस्क दिया उसमें से वो खर्च करते हैं, फ़ला तअलमु नफ्सुम मा उख़फ़िया लहुम मिन कुर्रति आयुन कोई भी शख्स ये नहीं जानता, यहाँ पर बात नेक लोगों की हो रही है, कोई भी नेक शख्स ये नहीं जानता कि क्या चीज़ छुपाई गई है उसकी आँखों की ठंडक में से, क़यामत के दिन अल्लाह ने कोई चीज़ें ऐसी भी रखी होंगी इंसान के लिए ख़ास तौर पर, बाज़ुल उलमा कहते हैं यहाँ पर मुराद अहले सियाम है, मुफस्सिरीन कहते हैं रोज़ेदारों के लिए क़यामत के दिन अल्लाह ने एक ख़ास ऐसी नेमत रखी होगी जो जिससे अल्लाह उनकी आंखों को ठंडा करेंगे, अल्लाह ने बताया नहीं वो कौन सी नेमत होगी, जज़ाअ बिमा कानू यअमलून ये जज़ा है उनकी जो वो अमल करती थी, अफमन कान मुमिनन कमन कान फासिका क्या वो बंदा जो ईमान लेके आया और वो बंदा जो अल्लाह का नाफरमान है क्या आपस में बराबर हो सकते, ला यस्तवून कभी बराबर नहीं हो सकते, अमल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात वो लोग जो ईमान लेके आए और नेक अमल किए, फलहुम जन्नतुल मावा उनके लिए रहने के लिए बागात हैं उनके लिए जन्नतें हैं, नुज़ुलम बिमा कानू यअमलून ये मेहमान नवाजी है उनके लिए जो वो अमल किया करते थे उसके सबब, और अम्मल्लज़ीन फसकू और वो लोग जो अल्लाह के नाफरमान हैं, फमावाहुमुन नार उनका ठिकाना जहन्नम है, कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिन्हा जब कभी भी वो उसमें से निकलने की कोशिश करेंगे उनको उसमें दोबारा लिटा दिया जाएगा,
दोबारा धक्के दे दे के वापस अंदर डाल दिया जाएगा। वकील लहुम, उनसे कहा जाएगा, ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ, उस आग का अजाब का जायका ज़रा चखो जिसको तुम जुटलाया करते थे। وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ, और हम ज़रूर उनको मज़ा चखाएंगे छोटे अजाब का बड़े अजाब से पहले, करीब के अजाब का बड़े अजाब से पहले। यानी दुनिया में भी उनके पास कुछ ना कुछ मसाइल और मुश्किलात और अजाब आएंगे, जैसे कुफारे मक्का के ऊपर आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ के हाथों जंगे बदर में, उनको जिस तरीके से शिकस्त हुई अल्लाह ने कही अल्लाह की तरफ से सजा थी, मुख्तलिफ तरीके से कहत सालियाँ भी आईं, बहुत सी उनके ऊपर सख्तियाँ भी आईं। तो ये सारे मामला ही अल्लाह की तरफ से छोटे छोटे अजाब हैं जो अल्लाह भेजते हैं बड़े अजाब से पहले। लअल्लहुम यरजिऊन, शायद कि वो रुजू कर लें, शायद वो अपनी बातों से लौट आएँ। वमन अज़लमु मिम्मन ज़ुक्किरा बिआयाति रब्बिही थुम्मा आरदा अन्हा, उस बंद से उस शख्स से बढ़कर ज़ालिम कौन हो सकता है जिसको नसीहत की गई उसके रब की आयात के साथ, थुम्मा आरदा अन्हा, लेकिन उसने क्या किया, उससे एराज़ कर लिया, मुँह फेर लिया। इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतकिमून, अल्लाह कहते हैं ऐसे मुजरिमों से हम इंतकाम लेने वाले हैं। वलक़द आतैना मूसा अल-किताब, और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब अता की, फ़ला तकुन फ़ी मिरयतिम मिन लिक़ाइही, बस ना हो जाइए आप किसी शक में उस मिलने के हवाले से। वजअलनाहु हुदल लिबनी इसराइल, और हमने बनाया उसको हिदायत बनी इसराइल के लिए। या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने मूसा को किताब अता की, आप किसी मामले में शक में ना पड़िएगा, और इस तरीके से हमने उसको हिदायत बनाया है बनी इसराइल के लिए। वजअलना मिनहुम अइम्मतन, और हमने बनाया उनमें से लोगों को इमाम, यहदून बि अम्रिना, जो रहनुमाई करते थे हमारे हुक्म के साथ, लम्मा सबरू, जब उन्होंने सबर किया, वकानू भी आयातीना यकीनून, और वो हमारी आयात पर यकीन रखने वाले थे। अल्लाह ताला मुत्तकीन को इमामत तब अता करते हैं जिसमें दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि वो सबर करने वाले हों अल्लाह की तरफ से जो मुश्किलात आईं, कि जो बंदा सबर नहीं कर सकता वो लीडरशिप नहीं इख्तियार कर सकता। और दूसरी चीज़ क्या है, वकानू भी आयातीना यकीनून, वो हमारी ईमान, उसका ईमान बड़ा मजबूत होना चाहिए, ईमान और सबर के साथ अल्लाह ताला अपनी उम्मत की, अपनी अपने नेक लोगों की इमामत अदा करता है, जैसे इस आयत में पता चला। इन रब्बका हुवा यफ़सिलु बैनहुम यौमल क़ियामा, बेशक आपका रब है वो फैसला करेगा उनके दरमियान क़्यामत के दिन, फ़ी मा कानू फ़ीही यख़्तलिफ़ून, उस चीज़ के बारे में जिसमें वो आपस में इख्तिलाफ़ करते हैं। अवलम यहदी लहुम, क्या उनके लिए ये हिदायत का सबब नहीं बनी, क्या चीज़ हिदायत का सबब नहीं बनी, कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिनल क़ुरून, हमने कितनी बस्तियों को उनसे पहले तबाह कर दिया। यमशून फ़ी मसाकिनहिम, वो उनके घरों में चलते फिरते हैं, उनके सामने से गुजरते हैं उनके घरों से तबाह हुए हुए घर। इन नफ़ी ज़ालिका लआयातिन, इसमें यकीनन निशानियाँ हैं। अफ़ला यस्मऊन, क्या वो सुनते नहीं, तो क्या इस इन चीज़ों से उनको हिदायत नहीं मिली, क्या उन्होंने इससे कुछ भी सीखा नहीं, उनके घरों में चलते फिरते हैं उनके सामने ही सारी चीज़ें मौजूद। अवलम यरौ अन्ना नसूकुल माअ इलल अर्दिल जुरुज़, क्या उन्होंने नहीं देखा कि हम चलाते हैं पानी को खुश्क ज़मीन की तरफ, फ़नुख्रिजु बिही ज़रअन, फिर हम उसमें से खेतियाँ निकालते हैं, तअकुलु मिन्हु अनआमुहुम व अनफुसुहुम, उनमें से वो खुद भी खाते हैं और उनके जानवर भी खाते हैं। अफला युबसिरून, क्या वो देखते नहीं, गौर व फिक्र नहीं करते हैं अल्लाह की नेमतों पर और किस तरीके से अल्लाह खुश्क ज़मीन को ज़िंदा करता है जिससे वो खाते हैं। वो यकूलून मता हाज़ल फ़त्ह इन कुंतुम सादिकीन, वो कहते हैं कब ये फैसला आएगा हमारे दरमियान, तुम्हारे दरमियान कब फैसला होगा, कौन सच और कौन गलत है। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो, कुल कह दीजिए, यौमल फ़त्ह, फैसले का दिन जब आएगा, ला यनफ़ऊल लदीन कफ़रू ईमानुहुम, तो काफिरों को उनका ईमान कोई फ़ायदा नहीं देगा अगर वो उस दिन ईमान लें, कहेंगे अल्लाह हम यकीन करते हैं, जैसे पहले आयत पढ़ी ना, अल्लाह हम बांधते हैं, फिरौन ने भी कहा था ना अब मैं ईमान लेके आता हूँ, तो उस दिन जब फैसले का दिन होगा फिर तो ईमान का फ़ायदा नहीं होगा। वला हम युनज़रून, और ना ही उनको कोई मोहलत दी जाएगी कि वो अपनी इस्लाह कर लें। फ़अअरिज़ अन्हुम, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे मुँह फेर लीजिए, वन्तज़िर, और आप इंतज़ार कीजिए, इन्नहुम मुंतज़िरून, बेशक वो भी मुंतज़िर हैं। आगे सूरह अहज़ाब है, ये मदनी सूरत है, और सूरह अहज़ाब का बैकग्राउंड बेसिकली जंगे अहज़ाब यानी ग़ज़वा खंदक। अहज़ाब इसलिए कहते हैं कि मुख्तलिफ गिरोह मुसलमानों के ख़िलाफ़ इकट्ठे हो गए थे और मुसलमानों के ख़िलाफ़ उन्होंने यानी साजिश चली कि किस तरीके से मुसलमानों को एक दफ़ा मिल के हम ख़त्म कर दें। जंग उहद के बाद ये जंग हुई, बड़ी जंग, आके छोटी मोटी जंगे, छोटी मोटी सराया जो थे वो एक्सपीडिशन होती रहती थी, लेकिन ये बड़ी जंग थी और मुसलमान मदीना में थे और मुसलमानों ने यही फ़ैसला किया कि हम मदीना का दिफा करेंगे। तो वाकया लंबा है, आपको पता है कि वो पूरे तमाम अरब दुनिया के ख़ास तौर पे जो नॉन मुस्लिम्स और मुशरिक और यहूदी सब के सब मिल गए और मिल के मुसलमानों के ख़िलाफ़ इकट्ठे हो गए, तो इसीलिए इनको अहज़ाब कहते हैं। और इसका दूसरा नाम जंग खंदक भी है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना का दिफा करना था तो
डिस्कशन हुई कि कैसे दिफा किया जाए। हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ये आपको ये मशवरा दिया कि हम ऐसा करते हैं कि हम खंदक खोल देते हैं, एक डिच, एक ट्रेंच खोल देते हैं सामने से। तो ज़ाहिर है एक बड़ी सी ट्रेंच होगी तो एक बड़ा लश्कर है और साथ उनके सामान भी होता है, जानवर भी होते हैं, तो जब आगे दरमियान में ट्रेंच होगी, बहुत ज़्यादा खंदक होगी, तो ज़ाहिर है उनके लिए गुजरना मुमकिन नहीं होगा। अगर वो गुजरना चाहेंगे भी तो हम चूँकि वहाँ पर मौजूद होंगे तो ज़ाहिर है हमें एक बड़ा एज मिल जाएगा, क्योंकि उनको हमारे नीचे होंगे, हम ऊपर से उन पर हमला कर सकते होंगे। तो इस तरह करके मुसलमानों ने फिर वहाँ पर ट्रेंच खोदी और मदीना का जो पीछे के मुसलमान जो, अगर आप मदीना का मैप देखें उस ज़माने का ख़ास तौर पर और अभी भी ऐसा ही है, अगर उन हालात को देख के सामने, तो मुसलमानों के बैक पे जो थे पहाड़ थे, जंगे ओहद आपके यानी सॉरी ओहद का पहाड़ और पीछे कुछ पहाड़ आपके पीछे थे, यानी पीछे से हमला नहीं किया जा सकता था, फ्रंट के ऊपर जगह खुली थी, तो वहाँ पर उन्होंने ट्रेंच खोद दी। तो इससे ये हुआ कि मुसलमानों ने अपने आप को एक तरफ से एक मज़बूत किले के अंदर बंद कर दिया। इसमें ख़ास तौर पे अल्लाह ताला ने इस जंग में मुसलमानों पर अपने एहसानात भी बताए हैं, लेकिन इसमें ख़ास तौर पे मुनाफिकीन के किरदार पर बहुत ज़्यादा बात की गई। मुनाफिकीन का बहुत गंदा किरदार था और ख़ास तौर पे बनू कुरैज़ा का बहुत गंदा किरदार था। ये यहूदियों का एक कबीला था, मुसलमान ज़ाहिर मदीना में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआहिदा हो चुका था तमाम कबीलों से वहाँ पर जो नॉन मुस्लिम कबीले थे कि अगर हम पर कोई हमला हुआ तो हमने मिल के दिफा करना है। उन्होंने कहा ठीक है, हम एक हैं, हम एक इलाके में रहते हैं और आप पर हमले का मतलब है हम पर हमला। तो हुआ ये कि जब मुसलमान ऐन मुश्किल में थे तो एक कबीला जो यहूदियों का था बनू कुरैज़ा, उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है बगावत शुरू कर दी। वो मदीना के अंदर मौजूद थे तो मुसलमान आगे मौजूद थे, आगे ट्रेंच थी, वहाँ पे लश्कर खड़े थे, पीछे से उन्होंने घरों में उनके ऊपर हमला कर दिया। तो फिर अल्लाह ने उनको बड़ी सख्त सज़ा दी, तो वो उसका भी तस्करा अल्लाह करेंगे। फिर मुनाफिकीन का तस्करा करेंगे, क्योंकि ये जंग अहज़ाब जो है ये बहुत सख्त थी मुसलमानों के लिए। मुसलमानों के सामने बड़े लश्कर इकट्ठे हुए हैं सारे, आगे ट्रेंच है, फिर मौसम बहुत ख़राब था, सख्त सर्दी थी शिद्दत से साथ, और पीछे से उनको डर ये था कि पीछे से बनू कुरैज़ा ने बगावत कर दी। तो एक मुसलमानों की एक्सट्रीम लेवल की कंडीशन थी। अब इस एक्सट्रीम लेवल की जो कंडीशन थी उसमें सबसे ज़्यादा जो लोग एक्सपोज हुए वो मुनाफिकीन एक्सपोज हुए। तो अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर उनके किरदार पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा बात की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। या अय्युहन नबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इत्तकिल्लाह, अल्लाह से आप डरिए। वला तुतिउल काफिरीन वल मुनाफिकीन, और काफिरों और मुनाफिकीन की बात को न मानिए। इन अल्लाह कान अलीमन हकीमा, बेशक अल्लाह ताला इल्म रखने वाले और हिकमत वाले। वत्तबि मा यूहा इलैक मिन रब्बिक, और आप फॉलो करें या पैरवी करें उसकी जो वही किया गया आपकी रब की तरफ से आपकी तरफ। इन अल्लाह कान बिमा तअमलून खबीरा, बेशक अल्लाह ताला बहुत ख़बरदार हैं उससे जो तुम अमल करते हो। व तवक्कल अलल्लाह, अल्लाह पे तवक्कुल कीजिए। व कफ़ा बिल्लाही वकीला, और अल्लाह ताला काफ़ी है आपके तौर, आपका वकील के तौर पे, आपके कारसाज के तौर पे, हिमायती के तौर पे। मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैन फ़ी जौफ़ी, अल्लाह ने किसी भी मर्द के दिल में, किसी भी मर्द में दो दिल नहीं बनाए, किसी मर्द के पेट में अल्लाह ने दो दिल नहीं रखे। व मा जअल अज़वाजुकुम अल्लाती तुज़ाहिरून मिनहुन्ना उम्महातिकुम, और नहीं अल्लाह ने तुम्हारी बीवियाँ बनाई जिनको तुम, जिनसे तुम ज़िहार करते हो, उम्महातिकुम तुम्हारी हकीकी माओं में से। क्या मतलब है ज़िहार? असल में आगे हम सूरह मुजादला में इसमें तफसील में बात करेंगे। यानी अरबों के यहाँ मुख्तलिफ़ तरीके थे तलाक़ देने के, या अपनी बीवियों को अपने अपने आप से दूर करने के, जैसे इला का एक वाक़या हम पढ़ चुके हैं। इसी तरीके से एक ज़िहार था। ज़िहार क्या था? वो बाज़ औक़ात लड़ाई के अंदर ये अपनी बीवी से नाराज़ होते तो उनको तकलीफ़ देने के लिए ये कहते कि तुम अब मेरी माँ की तरह हो मेरे लिए, आज से तुम मेरी माँ की तरह बन गई हो मेरे लिए। यानी जिस तरीके से माँ के साथ कोई ताल्लुकात कायम नहीं कर सकते, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ भी कोई ताल्लुकात नहीं करूँगा, हमेशा हमेशा के लिए तुम अब मेरे लिए हराम हो गई हो, माँ की तरह हराम हो गई हो। तो इसको ज़िहार कहते हैं। तो इसके बारे में अल्लाह ताला ने अहकामात आगे सूरह मुजादला में तफसील से अल्लाह ने बयान किया। तो अल्लाह ने कहा कि जिन बीवियों के साथ तुम ज़िहार करते हो वो तुम्हारी हकीकी माएँ नहीं बन जाती। यह ना समझो कि अब उनको ऐसे डील करना शुरू कर दो जैसे तुम्हारी माएँ हैं, नहीं। इनसे मुतल्लिक मज़ीद अहकामात सूरह मुजादला में अल्लाह बताएंगे। वमा जअला अदअियाअकुम अबनाअकुम, और नहीं अल्लाह ने तुम्हारे मुँह बोले बेटे तुम्हारे हकीकी बेटे बना दिए। जो तुम्हारे अडॉप्टेड बच्चे हैं वो तुम्हारे हकीकी बच्चे नहीं बन सकते। ज़ालिकुम क़ौलुकुम बि अफ़वाहिकुम, ये तुम्हारी मुँह की बातें। वल्लाहु यक़ूलुल हक़, अल्लाह हकीकत बयान करते हैं। वह हुवा यहदिस सबील, और वही सीधे रस्ते की तरफ हिदायत करते हैं। उदउहुम लि आबाइहिम, अपने मुँह बोले बच्चों को उनके वालिद के नाम से पुकारो। हुवा अक़सतु इंदल्लाह, ये अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा इंसाफ़ के लायक है। फ़इन लम तअलमु आबाअहुम फ़इख़वानुकुम फ़िद्दीन व मवालिकुम, अगर तुम उनके बापों को नहीं जानते तो वो तुम्हारे दीनी भाई हैं और तुम्हारे मददगार और दोस्त हैं। वलैसा अलैकुम जुनाहुन फ़ीमा अख़्तअतुम बिही,
और नहीं तुम पर कोई गुनाह उससे जो तुमसे पहले गलती हो चुकी। वलाकिन मा तअम्मदत कुलूबुकुम, गुनाह उस बात पर है कि तुम जो अपने दिल के इरादे से मामलात करो। वकान अल्लाहु गफूर रहीम, अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाले और रहम करने वाले। ये जो आयात हैं असल में सूरह अहज़ाब में एक और बहुत बड़ा वाकया जिसकी तरफ इशारा किया गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बहुत प्यारे सहाबी हज़रत ज़ैद बिन हारिसा, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन से उनको पाला था अपने पास, वो बचपन में आपके पास बड़े हुए और आपने आपको इनसे इतनी मोहब्बत थी कि आपने उनको अपना बेटा बना लिया था। अरबों के यहाँ ये बड़ी आम बात थी कि वो अपनी जो अडॉप्टेड बच्चे होते थे, मुतबन्ना जिनको कहते हैं या ले पालक जिनको हम उर्दू में कहते हैं, उनको उन्होंने अपना हकीकी बेटे की तरह मना लेते थे और बाकायदा विरासत भी देते थे उनको और पर्दे के भी अहकाम समझते थे कि अब ये हमारे असल बेटे की तरह हो गया। अब हुआ ये कि हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह के रसूल ने बाकायदा सहाबा इनको ज़ैद बिन मोहम्मद कहा करते थे कि ये ज़ैद हैं, मोहम्मद के, क्योंकि ये ग़ुलाम थे, पहले ग़ुलाम बन के आए थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत खदीजा ने इनको अल्लाह के रसूल को गिफ्ट किए थे, ये छोटे से थे, बिल्कुल 8 साल के थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनसे बड़ी मोहब्बत हुई, बड़े हो गए आपके साथ, आपके अपने हकीकी बेटों की तरह आपके साथ मामलात करते थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी शादी करवा दी अपनी फूफी की बेटी के साथ, हज़रत ज़ैनब के साथ, आपकी जो कज़न थी उनके साथ शादी करवाई। अब हुआ ये कि हज़रत ज़ैद जो थे, अगरचे वो माशाल्लाह बड़े नेक और बड़े यानी बासीरत आदमी थे, लेकिन ज़ाहिर है एक अरसा दराज तक वो ग़ुलामी की ज़िंदगी उन्होंने गुजारी थी, तो उनका सोशल स्टेटस बिल्कुल डिफरेंट था और अल्लाह के रसूल की जो अपनी कज़न थी हज़रत ज़ैनब, उनका सोशल स्टेटस बिल्कुल डिफरेंट था। वो हाशमी ख़ानदान से थी और उनकी फूफी की बेटी थी और उनका मकाम और मर्तबा बहुत, यानी माशरे के अंदर सोशल स्टेटस बहुत ज़्यादा था। हज़रत ज़ैद की अहमियत अपनी जगह पर थी, लेकिन हज़रत ज़ैद बहरहाल एक अरसा दराज तक ग़ुलाम रहे थे। बाद में अल्लाह के रसूल ने उनको आज़ाद भी कर दिया ज़ाहिर है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद अब हुआ ये कि जब अल्लाह के रसूल ने शादी कर दी दोनों की, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ हज़रत ज़ैद की सेटिंग नहीं हो पाई, मामलात ख़राब हुए। आपके पास कई दफ़ा आए हज़रत ज़ैद के, मैं इनके साथ नहीं रह सकता, आप मुझे इजाज़त दें कि मैं इनको आज़ाद कर दूँ। अल्लाह के रसूल बार बार चाहते थे कि नहीं नहीं आप ऐसा करें, कोई नहीं, अल्लाह आसानी करेंगे आपके लिए, लेकिन अल्टीमेटली हुआ ये कि मामलात नहीं चल सके और मामला ख़त्म हो गया। अच्छा, जब मामला ख़त्म हुआ तो अल्लाह ताला ने फिर एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बड़ा मुश्किल हुक्म नाजिल किया और वो हुक्म ये था कि अब ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हज़रत ज़ैनब से शादी करें। हज़रत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मुश्किल लगा ये। क्यों मुश्किल लगा? इसलिए नहीं कि अल्लाह का हुक्म मुश्किल, नहीं, असल में मुआशरे के अंदर अरबों के यहाँ जो मुतबन्नी बेटा था वो हकीकी बेटे की तरह था और उसकी बीवी से शादी करना ऐसे ही था जैसे इंसान अपनी बहू से शादी कर रहा है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत मुश्किल था। अल्लाह ताला ने ये रिवायत तोड़नी थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक ये रिवायत तोड़नी थी कि जो हकीकी बेटे होते हैं वो आपके वो होते हैं जो आपकी नस्ल से होते हैं, आपके अडॉप्टेड बच्चे, वो आप अडॉप्ट कर लो ना करो, वो आपके अपने घर में रखो ना रखो ये अलग बात है, लेकिन कभी भी वो आपके हकीकी औलाद नहीं बन सकते, उनके अहकाम वही होंगे जो गैरों के अहकाम होते हैं। हज़रत आयशा कहती हैं कि ये हुक्म अल्लाह के रसूल के लिए इतना मुश्किल था कि अगर अल्लाह के रसूल ने पूरे कुरान मजीद में से कोई एक आयत छुपानी होती ना या कोई वही का हिस्सा छुपाना होता तो ये हुक्म छुपा देते कि अल्लाह ने उनको हुक्म दिया था कि हज़रत ज़ैनब के साथ आपका निकाह हो गया, और बल्कि निकाह भी नहीं हुआ, बस अल्लाह ने निकाह कर दिया, अब आप जाके उनके पास उनको अपने घर ले आइए। ये बहुत मुश्किल था आपके लिए और अरबों ने, ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुखालिफीन थे उन्होंने आपका बहुत मजाक उड़ाया, आपको बहुत तकलीफ़ भी दी, बातें भी बनाई कि देखो ये अपनी बहू के साथ शादियां करना शुरू कर दी हैं, इसने ये कैसा मजहब और कैसा दीन लेके आया, अरे आज़ु बिल्ला। लेकिन आप देखें कि अल्लाह ताला ने इस रिवायत को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए तोड़ा। तो अम्बिया सबसे पहले होते हैं जिनको इस्लाम पर अमल करना पड़ता है, वो अव्वलुल मुस्लिमीन, जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना, सबसे पहले मैं मुसलमान। तो यहाँ पे अल्लाह ने वहाँ से आगाज़ किया, अल्लाह कहते हैं कि ये बात, अल्लाह यहाँ पे पहले तमहीद बांध रहे हैं, आगे उनका जिक्र आएगा कि तुम्हारे जो औलाद है, तुम्हारे जो मुतबन्ना बेटे हैं वो तुम्हारे हकीकी बेटे नहीं हैं, और इसीलिए अल्लाह ने मना कर दिया कि आइंदा से कभी भी कोई बंदा अडॉप्टेड बच्चों के साथ अपना नाम ना लगाए, उनके बापों के नाम से पुकारना। और अल्लाह ने कहा कि अगर तुमने गलती से कर दिया तो ठीक है, लेकिन जिसने जानबूझ के किया, अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ताला वलाकिन मा तअम्मदत कुलूबुकुम, अल्लाह ताला वकान अल्लाह गफूर, अल्लाह ताला नाराज़ होंगे, आगे अल्लाह ताला उसके बारे में सख्ती से बयान करेंगे। तो ये गुनाह का काम है, तो कोई भी बच्चा हो जैसा मर्जी हो उसके हकीकी बाप उसका नाम लगेगा, उसके साथ ही पुकारा जाएगा। अडॉप्टेड बच्चों के अहकाम इस्लाम के अंदर, वैसे अडॉप्शन के जो है तसव्वुर वो एक अलग तसव्वुर है, उसको इनक्रेज नहीं किया गया, उसके बहुत से मसाइल, इसकी अलग मौजू है, इंशाल्लाह कभी मौका मिला बात करेंगे।
النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے زیادہ قریب ہیں ان کی جانوں سے بھی زیادہ. وازواجہ امہاتہم, اور نبی کی جو بیویاں ہیں وہ مسلمانوں کی مائیں ہیں. واولو الارحام, اور رشتہ دار, بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ, اللہ کے قانون میں بعض دوسروں سے زیادہ قریب ہوتے ہیں انسان کے, ظاہر ہے. من المؤمنین والمہاجرین, مومنوں سے بھی زیادہ قریب ہیں, مہاجرین سے بھی زیادہ قریب ہیں. الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا, مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی حسن سلوک کر لو. وکان ذلک فی الکتاب مسطورا, یہ کتاب میں پہلے سے لکھا ہوا ہے. تو علماء بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچے تو آپ نے مواخات قائم کی تھی, آپ کو پتہ ہے نا, مواخات قائم, انصاری اور مہاجرین کو آپس میں بھائی بنایا. تو اس طرح بھائی بنایا کہ انہوں نے بھی حقیقی بھائی سمجھ لیا, انہوں نے کہا یہ ہمارے حقیقی بھائی ہیں, اور جس طریقے سے بھائیوں کو جائیداد میں حصے ملتے ہیں ان کو بھی ملا کریں گے. تو اللہ نے یہاں پہ اس آیت سے اس کو بھی ختم کر دیا کہ رشتہ دار جو ہیں وہ مہاجرین سے بھی زیادہ قریب ہیں تمہارے. مہاجرین کی اپنی محبت اور ان کے ساتھ اسلامی اور ایمانی تعلق ایک اپنی جگہ پہ, لیکن جو رشتہ داری جو ہے اصل میں اس کی اہمیت غیروں سے زیادہ ہے. تو اس کے بعد ان کا یہ معاملات بھی ختم ہو گئے, اور وراثت کے احکامات اب صرف وہ ہوں گے جس کا تعلق, یعنی آپ کے وراثت, آپ کو پتہ ہے دو طریقے سے, ایک آپ کا نکاح کے تعلق سے وراثت چلتی ہے میاں بیوی کا, اور اس طریقے سے نسلی تعلق جو نسبی تعلق ہوتا ہے اس سے وراثت چلتی ہے. تو باقی اللہ نے سارے معاملات ختم کر دیے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ, اور جب ہم نے لیا نبیوں سے ان کا وعدہ, من کا آپ سے بھی لیا, من وبن نوح نو سے لیا, ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ بن مریم, ابراہیم موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم سے لیا. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا, اور ہم نے ان سے پختہ وعدہ لیا. لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ, کیا وعدہ لیا, وہی وعدہ جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اگر نبی آ گیا تمہاری موجودگی میں تم اس کی مدد بھی کرو گے, اس پہ ایمان بھی لے کے آؤ گے. لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ, تاکہ وہ سوال کرے سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ امتوں کے سامنے ان کے نبیوں سے سوال کریں گے, تم نے اپنا کام کیا, جو تم نے وعدے کیے تھے وہ پورے کیے تم نے؟ تو اللہ دکھائیں گے کہ نبیوں کو بھی آج اللہ کے سامنے اپنی یعنی سچائی کو ثابت کرنا ہے. وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا, اور ہم نے تیار کیا کافروں کے لیے بہت دردناک عذاب. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اذکروا نعمت اللہ علیکم, یاد کرو اللہ کی نعمت پر جو انہوں نے تم پر کی. اذ جاءتکم جنود, جب تم پر لشکر چڑھ آئے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا, تو ہم نے بھیجی ان پر آندھی اور ایسے لشکر جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے. یعنی جنگ احزاب کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے آندھی کے ساتھ اور فرشتوں کو بھیج کے ان کو ختم کر دیا, تباہ و برباد کر دیا. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا, اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو. اِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ, جب وہ تم پر حملہ آور ہوئے اوپر سے. وَمَا أَسْفَلَ مِنْكُمْ, اور نیچے سے بھی تم پر حملہ آور ہوئے. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ, جب آنکھیں پھر گئیں ڈر سے. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ, اور دل جو ہیں گلوں تک آ گئے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ, اور تم نے اللہ کے بارے میں عجیب و غریب گمان شروع کر دیے. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ, اس وقت مومنوں کی صحیح آزمائش ہوئی. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا, اور سختی سے وہ ہلا دیے گئے ان کے قدم, یعنی مسلمان ہلا دیے گئے, اتنا سخت مشکل ان کے اوپر آئی. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ, اور جو منافقون نے کہا. وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ, اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا. مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا, اللہ اور اس کے رسول نے تو ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے. ہمیں تو وعدے کیے تھے کہ تمہیں کیسر و کسرا کے بادشاہ محلات ملیں گے, یہ کیا ہو گیا, ہم تو مارے گئے, چاروں طرف سے پکڑے گئے. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ, اور جب ان میں سے گروہ نے کہا. یا اہلَ یثرب, اے مدینہ کے لوگوں, لا مقام لکم, آج تمہارے لیے کوئی بھی جگہ نہیں ہے, جائے پناہ نہیں ہے. فَرْجِعُوا, واپس بھاگ جاؤ. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ, اور ان میں سے ایک گروہ ہے وہ نبی سے اجازتیں مانگتا ہے. کیا کہتا ہے؟ کہ ہمارے گھر جو ہیں وہ غیر محفوظ ہیں, اے اللہ کے رسول ہمیں اجازت دے دیجیے ہم واپس چلے جائیں گھر میں, ڈرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھر میں کوئی بندہ رکھوالا نہیں, ہمیں ٹینشن ہو رہی ہے, گھر میں کوئی ذمہ دار نہیں ہے, تو ہم ذرا جانے دیں, ہم اجازت دے دیں. اللہ کہتے ہیں وما ہی ابی عورا, ان کے گھر محفوظ نہیں ہے. ان یریدون الا فرارا, وہ تو فرار ہونا چاہتے ہیں, بھاگنا چاہتے ہیں جنگ سے. ولو دخلت علیہم من اقطارها ثم سئلوا الفتنہ, اگر داخل ہو جائیں ان پر چاروں کناروں سے, شہر کے کناروں سے دشمن. ثم سئلوا الفتنہ, اور پھر ان سے کہا جائے کہ وہ فساد پھیلائیں. لآتوها, تو وہ ضرور یہ کام کریں گے. وما تلبثوا بها الا یسیرا, اور وہ ذرا بھی دیر نہیں لگائیں گے بلکہ تھوڑی سی. یعنی اگر ایک دم حملہ آور ہو جائے دشمن اور ان سے کہے کہ تم ہمارے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف لڑو, تو فوراً یہ مان جائیں گے, ذرا بھی نہیں ان کو, تھوڑی سی بھی ان کو ہچکچاہٹ ہوگی, ہیزیٹیشن ہوگی, ان کے ایمان اتنے کمزور ہیں, ڈرتے اتنے زیادہ ہیں. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ, حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ سے پہلے بھی وعدہ کر چکے ہیں. لا يولون الادبار, کس چیز کا وعدہ کر چکے ہیں کہ کبھی بھی وہ پیٹھ پھیر کے بھاگیں گے نہیں. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا, اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, اس کے بارے میں سوال ہوگا.
قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ, कह दीजिए तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा भागना, अगर तुम मौत से भागना चाहते हो, अगर मौत से भागने का प्लान है तो कोई फ़ायदा नहीं, अब الْقَتْلِ, या कत्ल से भागना चाहते हो, وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا, उस सूरत में तुम्हें सिर्फ थोड़ा सा फ़ायदा मिलेगा, कुछ दिन तुम और बच जाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा उसके बाद दोबारा मौत आ जाएगी. قُلْ, कह दीजिए, مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ, कौन है जो तुम्हें अल्लाह से बचाएगा, इन अराद बिकुम सूअन, अगर अल्लाह तुम्हें कोई परेशानी में मुबतला करना चाहे, औ अराद बिकुम रहमा, या अल्लाह तुम पर कोई रहमत करना चाहे, कौन उसकी उस रहमत को दूर कर सकता है, वला यजिदून लहुम मिन दूनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा, और नहीं वो पाएंगे अल्लाह के अलावा कोई दोस्त और ना कोई मददगार, कद यअलमुल्लाहुल मुअव्विकीन मिनकुम, अल्लाह ताला खूब जानता है, अल मुअव्विकीन मिनकुम, तुम में से रोकने वालों को, इनमें से जो लोग दूसरों को रोक रहे हैं ना, मुनाफिकीन में से कुछ लोग होते थे दूसरों को रोकते थे, ना करो ना करो, वल अल्लाह कहते हैं अल्लाह उनको खूब जानते हैं, वलकाइलीन लिइख्वानिहिम, और जो अपने भाइयों को ये कहने वाले हैं हलुम्मा इलैना, हमारी तरफ आ जाओ, ना जाओ लड़ाई के लिए, बड़े मुश्किल हालात, वला यातून अलबस इल्ला कलीला, और नहीं आते वो लड़ने के लिए मगर थोड़े से, बहुत थोड़े हैं इनमें से जो लड़ाई के लिए जाते हैं, अशिहतन अलैकुम, वो तुम्हारे बारे में बहुत बखीली करते हैं, कंजूसी करते हैं तुम्हारे बारे में, फ़ैदा जा अलखौफ रईतहुम यंज़ुरून इलैका तदूर वअयुनुहुम, जब खौफ आता है तो तुम देखते हो कि वो तुम्हारी तरफ ऐसे देखते हैं कि उनकी आंखें घूम रही होती हैं, यानी मौत से, डर से उनकी आंखें तुम्हारे सामने घूम रही होती हैं, कल्लज़ी युख्शा अलैहि मिनल मौत, जैसा कि उन पर मौत की गशी तारी हो गई, यानी जब खौफ आता है जंग का तो इतने डरपोक हैं कि आपकी तरफ आंखें फाड़े फाड़े देख रहे होते हैं और इनकी आंखें ऐसे घूम रही होती हैं जैसे इन पर मौत की गशी तारी हो गई, फ़ैदा ज़हब अलखौफ, जब खौफ चला जाता है, अमन आ जाता है, सलकूकुम बिअलसिनतिन हिदादिन, इनकी ज़ुबानें तेज़ लोहे की तरह, तलवारों की तरह चलना शुरू कर जाती, अशिहतन अलल खैर, और ये माल के बारे में ज़्यादा कंजूसी करते हैं, उस वक्त माल के बारे में इनकी कंजूसियाँ शुरू हो जाती हैं, कहते हैं हम भी तो तुम्हारे साथ हैं, कुछ फ़ायदे हमें भी दे दो, हम भी तो मुसलमान हैं ना, जैसे पहले अल्लाह कई दफ़ा बयान कर चुके, उलाइक लम युमिनु, अल्लाह कहते हैं ये ईमान वाले लोग नहीं हैं, फअहबतल्लाहु अमालहुम, अल्लाह ने इनके अमाल को ज़ाया कर दिया, वकान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा, और अल्लाह पर यह चीज़ बहुत आसान, यहज़बून अलअहज़ाब लम यज़हबू, लश्कर ये गुमान करते हैं कि नहीं वो गए, वो गए नहीं हैं अभी तक, लश्कर अभी गए नहीं हैं, वो गुमान करते हैं कि लश्कर अभी गए नहीं हैं, वही दिल अहज़ाबू, अगर वो लश्कर वापस आ जाएँ, दोबारा आ जाएँ, ये वद्दू लो अन्नहुम बादून फिल आराबी, वो तमन्ना करेंगे कि काश वो बाहर निकल जाएँ किसी देहातों में, यसअलून अन अम्बाइकुम, और वो तुम्हारे बारे में ख़बरें पूछते फिरें, क्या मतलब है, अल्लाह कहते हैं कि इनका हाल ये है कि अगर इनके ऊपर कोई लश्कर आ जाए तो ये तमन्ना करते हैं काश वो इस शहर में रहते ही ना, वो किसी दूर दराज इलाके में रहते या फिर वो वहाँ से भाग के किसी ऐसी जगह पर चले जाएँ जहाँ पर वो उनका इनके साथ पाला ना पड़े, और वो तुम्हारे बारे में बस सुनते रहे खबरें कि कब वो हालात बेहतर हुए हैं ताकि वो वापस लौटें, वलौ कानु फीकुम, अगर वो तुम्हारे दरमियान रहें, मा कातलू इल्ला कलीला, तो वो नहीं जंग करेंगे मगर थोड़े, यानी उनमें से बहुत कम ऐसे लोग हैं जो जंग करने वाले हैं, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यकीनन तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक बहुत अच्छा नमूना है, लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिर, और फ़ायदा वही उठाता है जिसको अल्लाह और आखिरत की उम्मीद होती है, आखिरत के दिन पर कोई उम्मीद है, वज़कर अल्लाह कथीरा, और वही फ़ायदा उठाता है जो अल्लाह का कसरत से जिक्र करता है, वलम्मा रअ अल-मुमिनून अल-अहज़ाबा, और जब मोमिनों ने लश्करों को देखा, अच्छा पहले अल्लाह ने उनकी बातें बताईं, अब मोमिनों ने जब लश्करों को देखा, क़ालू हाज़ा मा वअदना अल्लाह व रसूलुहु, उन्होंने कहा ये अल्लाह और उसके रसूल ने हमसे वादा किया था, वसदक अल्लाह व रसूलुहु, अल्लाह और उसके रसूल ने सच्चा वादा किया था, वमा ज़ादहुम इल्ला ईमानन व तस्लीमा, और उनका ईमान और फरमाबरदारी में मज़ीद, उनका ईमान भी बढ़ गया और उनकी फरमाबरदारी भी मज़ीद बढ़ गई, यानी ईमान में मज़ीद बढ़ गए आगे और फरमाबरदारी में मज़ीद बढ़ गए, मिनल मोमिनीन रिजालुन, मोमिनों में कुछ ऐसे मर्द भी हैं, सही मर्द, इसे कहते हैं कि सही रजूलियत और मर्दानगी असल, अल्लाह कहते हैं मुसलमानों में, मोमिनों में कुछ है सही मर्द लोग हैं, क्या है, सदकू, जिन्होंने सच खत दिखाया, मा अहदुल्लाह अलैह, जो उन्होंने अल्लाह के साथ वादा किया था, यानी असल मर्द वो है मोमिनों में से जो अल्लाह के साथ किया गया वादे को पूरा करके दिखाता है, फ़मिनहुम मन क़ज़ा नहबहु, जिन्होंने कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी नज़र को पूरा कर लिया, जिन्होंने अपने वादे पूरे कर लिए, वमिनहुम मन यंतज़िर, और कुछ इंतज़ार कर रहे हैं, खड़े हुए हैं उम्मीदों के साथ, तलवारें लेके खड़े हैं अल्लाह, यानी कुछ तो शहीद हो चुके हैं अल्लाह के पास, अपने वादे पूरे करके जा चुके हैं, और कुछ अभी भी तलवारें लेके खड़े हैं और दुआएँ कर रहे हैं अल्लाह हमें भी मौका दे कि हम भी अपने वादे को पूरा करें, वमा बद्दलू तब्दीला, और नहीं उन्होंने तब्दील किया कुछ भी, नहीं वो तब्दील करते कुछ भी, लियज़ी अल्लाहु,
ताकि अल्लाह जजा दे अस्सादिकीन बिसिदकिहिम सच्चे लोगों को उनकी सच्चाई का, वो युअज्जिब अलमुनाफिकीन और अज़ाब दे मुनाफिकों को, इंशा अव यतूब अलैहिम अगर वो चाहे या उनकी तौबा कबूल कर ले। इन्नल्लाह काना गफूरर रहीम अल्लाह बख्शने वाले रहम करने वाले। वरद्दल्लाहु अल्लज़ीन कफरू बिगैरिहिम और अल्लाह ने लुटा दिया उन लोगों को जिन्होंने कुफर किया अपने गुस्से के साथ, अल्लाह ने उनको वापस लुटा दिया। लम यनालू खैरा उन्होंने कोई भी खैर नहीं पाई। वकफल्लाहु अलमुमिनीन अलक़िताल और अल्लाह काफ़ी हैं मोमिनों के लिए मदद करने में जंग में, यानी जंग में मोमिनों की मदद करने में अल्लाह ताला काफ़ी है। वकान अल्लाहु क़वियन अज़ीज़ा अल्लाह ताला बहुत मजबूत कवी और गालिब है। तो पता चला कि अल्लाह ने इन काफिरों को वापस नामुराद होकर लुटा दिया, उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ और अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद की क्योंकि मुसलमानों को जंग करने का मौका ही नहीं मिला। वअंज़ला ज़ाहरूहुम और उतार दिया उन लोगों को जिन्होंने मदद की उनकी, मिन अहलिल किताबी अहले किताब में से। अब यहाँ पे बनू कुरैज़ा की बात हो रही है। अच्छा, पहले अल्लाह ताला ने काफिरों को लुटा दिया, उनको घर भेज दिया, भगा दिया, उनको आंधी चली जैसे शुरू में बात की और आसमान से फरिश्ते नाजिल हुए जिन्होंने उनके खैमे और सारे जानवर और सब कुछ उड़ा फेंका और वो परेशान होकर भाग गए डर के सारे कि हम पर कोई तूफान आ गया। उसके बाद अल्लाह ताला ने क्या किया, उनकी खबर ली जिन्होंने इनकी मदद की थी। और बनू कुरैज़ा की बात मैं करूँ, मिन सयासीहिम अल्लाह कहते हैं हमने उनको उनके किलों से उतारा। उन्होंने जब उनको पता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यहाँ से फारिग हुए तो फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह के रसूल, हज़रत जिब्रील आए, उन्होंने कहा कि आपने अपने जो है अपना सामान और अपने असलाह उतार दिया है, हमने तो अभी तक अपना असलाह नहीं उतारा। तो उन्होंने कहा क्या मतलब, उन्होंने कहा कि चलिए अब बनू कुरैज़ा की तरफ चलिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधा बनू कुरैज़ा के पास गए, सीधा आपने वहाँ पर जाके आपने यानी अपने आप को वहाँ पर कैंप किया। तो वहाँ पर वो अपने किलों के अंदर बंद थे तो फिर अल्लाह ताला ने उनके दिलों में रोब डाला और वो डर के किलों से उतर आए। उन्होंने अपने गिव अप कर दिया, अपने वेपन्स वगैरह सरेंडर कर दिया अपने आप को। وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ और डाल दिया उनके दिलों में अल्लाह ने खौफ रुअब। फरीकन तक्तुलूना एक गिरोह ऐसा है जिसको तुम कत्ल करते हो, वतअसिरूना फरीका और एक गिरोह को तुमने कैद कर दिया। लंबे वाक्य अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको सजा दी, इनमें से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गिरोह को कत्ल कर दिया और कुछ को अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैद कर दिया और कैदी बना दिया। वह औरफ़कुम अर्दहुम और तुम्हें वारिस बनाया उनकी ज़मीनों का, वदियारहुम और उनके घरों का, मुसलमानों के उनके घरों पर और उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लिया। वह अमवालहुम और उनके मालों पर, वह अर्द लम तताऊहा और ऐसी ज़मीन पर जिस पर तुमने पहले कदम नहीं रखा था। वह कान अल्लाहु अला कुल्ल शैइन क़दीरा अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखने वाले हैं। या अय्युहन नबी ए नबी सल्लम कुल्ली अज़वाजिक अपनी बीवियों से कह दीजिए, इन कुंतुन्ना तुरीदुनल हयात अद्दुनिया अगर तुम चाहती हो दुनिया की ज़िंदगी, व ज़ीनतहा और उसकी ज़ीनत, फ़तअलैना तो आओ, उमत्तिउकुन्ना मैं तुम्हें कुछ दे दिला दूँ, उसर्रिहकुन्ना सराहन जमीला और तुम्हें अच्छे अंदाज से रुखसत कर दूँ। हुआ ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको पता है कि बहुत अजीमत की ज़िंदगी गुजार रहे थे, आपके पास वैसे तो कई दफ़ा आपके पास इतना पैसा और इतना ख़जाना आता ढेर लग जाते आपके सामने, क्योंकि आपको पता है ना कि माले गनीमत में से खुमस जो था पाँचवा हिस्सा वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला ने मुख्तस कर दिया। अब होता ये था कि जब माल आता कई दफ़ा ख़जाने लग जाते आपके सामने, अब आप क्या करते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे बैठे वहाँ पे, हदीसों में आता है कई वाक़ात हैं कि आप तब तक घर नहीं जाते जब तक कि वो पूरा ढेर जो सोना चांदी का वो आप डिस्ट्रीब्यूट ना कर देते, अल्लाह की राह में दे देते फौरन गरीबों को मिस्कीनों को। आपकी जो वाइफ्स थी बीवियाँ थी, क्योंकि आपकी एक वक्त में नौ बीवियाँ थी, एक वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौ बीवियाँ थी, तो एक दिन उन्होंने तकाजा किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप माशाल्लाह इतना खर्च करते हैं, घर में इतने बुरे हालात हो जाते हैं बाज़ूकात के सिर्फ पानी होता है पीने के लिए, सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है, तो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ास तौर पे अल्लाह ताला अपनी तरफ से कुछ खिलाते भी थे। हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला का ना ख़ास करम होता था कि जिसकी वजह से आप ना खाने के बगैर बाकी लोगों से ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर सकते थे। नबियों को अल्लाह ने ख़ास ताकत दी होती है, ख़ास उनके लिए अल्लाह का करम होता है उनके ऊपर। तो हमारे पास खाना पीना कुछ भी नहीं होता, तो थोड़ी सी आप ऐसा किया करें, कुछ माल हमें दे दिया करें, कुछ थोड़ा सा मामला ताकि हम अपनी जो ज़रूरियात को पूरा कर सकें। अगर आप दुनियावी पर्सपेक्टिव से देखें तो उनका तकाजा एक किस्म का ठीक था, लेकिन हुआ ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात अच्छी नहीं लगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि असल में तुम आम औरतें नहीं हो, तुम हो नबी की बीवियाँ, और नबी का जो उसवा होता है वो एक नमूना और आइडियल नमूना होता है। मैं तुम्हें रुख्सतें नहीं दे सकता, मैं तुम्हारे लिए एक्सेप्शंस नहीं कर सकता, तुम्हें मेरे साथ जब रहना है तो तुम्हें इन्हीं मुश्किल कंडीशंस में इन्हीं मुसाइब और मुश्किलात को तुम्हें बर्दाश्त करना है। अगर तो तुम मेरे साथ मुश्किलात और बर्दाश्त कर सकती हो, रह सकती हो तो रह लो, नहीं रहती तो तुम आओ, मैं तुम्हें अच्छी तरह रुख्सत कर देता हूँ, तुम्हें तुम माल चाहती हो तो आओ, मैं तुम्हें मेरे पास इतना मैं तुम्हें जितना कहती हूँ माल दे देता हूँ और तुम्हें फिर घर में रुख्सत करता हूँ, तुम जाओ अपने घरों में रहो, मैं ऐसी बीवियों के साथ रहूँगा जो मेरे साथ मेरे मुताबिक या अल्लाह के दीन के जो तकाजे उनके मुताबिक रह सकें।
और आप फिर बाकायदा नाराज़ हो गए और काफ़ी देर तक आप नाराज़ रहे अपनी बीवियों के साथ, यहाँ तक कि बाज़ बीवियों को ये गुमान होने लगा कि शायद अल्लाह के रसूल ने हमें तलाक़ दे दी है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में उनसे रुजू कर लिया, तलाक़ नहीं दी थी आपने, आप उनसे दूर हो गए थे। और फिर सारी बीवियों ने कहा, हज़रत आयशा ने सबसे पहले आगाज़ किया, फिर हज़रत हफ्सा ने, सारों ने कहा कि अल्लाह के रसूल हमें दुनिया बिल्कुल नहीं चाहिए। हम अल्लाह के रसूल ने कहा तुम्हारे पास ऑफ़र है, जैसे कुरान ने कहा बल्कि तुम्हारे पास ऑफ़र है, या तो नबी को ले लो या दुनिया ले लो, जो भी तुम्हें पसंद है। तो सारों ने कहा कि हम नबी को कबूल करेंगे, दुनिया में हम कोई बात नहीं, हम बर्दाश्त कर लेंगे, सर्वाइव कर लेंगे। या अय्युहन नबीयु, ए नबी कह दीजिए, कुल लि अज़वाजिका, अपनी बीवियों से, इन कुंतुन्न तुरिदनल हयात दुनिया, अगर तुम दुनिया की ज़िंदगी चाहती हो, वज़ीनतहा, उसकी खूबसूरतियाँ चाहती हो, फ़तअलैना, तो आओ मैं तुम्हें कुछ दे दिला दूँ, उमत्तिअकुन्न व उसर्रिहकुन्न सराहन जमीला, फिर मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँ अच्छे अंदाज़ से। व इन कुंतुन्न तुरिदनल्लाह व रसूलह, अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल चाहती हो, व दारल आखिरा, और आखिरत का घर चाहती हो, फ़इन्नल्लाह अअद्दा लिल मुहसिनाति मिनकुन्न अजरन अज़ीमा, तो बेशक अल्लाह ने तैयार किया है नेक वाली नेक नेक औरतों के लिए उन तुम में से अजर नादीमा, बहुत बड़ा अजर। या निसा नबी, ए नबी की बीवियों, मैया तिमिन कुन्ना बिफाहिशत मुबैना, तुम में से जो भी कोई बेहयाई के काम करेगी, कुला युदाअफ लहल अज़ाब ज़िफ़ैन, उसको डबल अज़ाब मिलेगा, वकान ज़ालिका अलल्लाह यसीरा, और अल्लाह पे ये बहुत आसान है। तो यानी मुराद ये है कि पहले तो मुमकिन नहीं है कि नबी की बीवियाँ जो हैं कोई फाहाशी का, कोई बुराई का काम कर लें, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं अगर कोई हो भी किसी भी तरीके से, अगर वो कोई बुराई का काम हो भी जाए किसी भी पर्सपेक्टिव से, तो नबियों का जो बीवी है, नबियों की जो बीवी हैं, उनको अल्लाह ताला डबल अज़ाब देंगे, क्योंकि नबियों का स्टेटस, नबियों की बीवियों का स्टेटस आम स्टेटस नहीं है। उनकी अच्छाइयों पे, अगली आयत में आएगा कि अच्छाइयों पे भी उनको ज़्यादा सवाब मिलता है, जब ज़्यादा सवाब अच्छाइयों पे मिलेगा, फिर अगर गलती होगी तो उसके ऊपर पकड़ भी ज़्यादा होगी। लेकिन पहली बात जैसे मैंने बताया कि मुमकिन नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने नबियों की तमाम बीवियों को, चाहे वो मुसलमान थी या नॉन मुस्लिम्स थी, उन सबको अल्लाह ताला ने फहाशी के काम से बचाए रखा। ये नबी का ऑनर है, एक असल में नबी की ना इज्जत है, अल्लाह ताला को अपने नबी बड़े प्यारे होते हैं, उनकी इज्जतों को अल्लाह महफूज रखते हैं। और जो इताअत करेगा तुम में से अल्लाह की और उसके रसूल की, वतअमल सालिहन, और नेक अमल करेगी, नुतिहा अजरहा मरतैन, हम उसको देंगे दोहरा अजर, वअअतदना लहा रिज़्क़न करीमा, और हमने उसके लिए तैयार कर रखा है बड़ा मुअज़्ज़ज़ रिज़्क। तो यहाँ पर अल्लाह ताला हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाजे मुतहरात हैं उनको फरमा रहे हैं कि अगर तुमसे कोई गलती हुई, कोई ख़ास तौर पे बुराई का काम हुआ, सज़ा तो डबल मिलेगी, लेकिन तुम में से जो नेक अमल करने वाली हैं उनके लिए अजर भी दोहरा है, क्योंकि तुम आम औरतें नहीं हो, तुम ख़ास औरतें हो। या निसा अन्नबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों, लस्तुन्नका अहद मिनन निसा, आप आम औरतों की तरह नहीं हैं, इन्हें तकीतुन्ना, अगर आप तकवा इख्तियार करें, हाँ अगर आप तकवा नहीं इख्तियार करेंगे फिर कोई फजीलत नहीं। दीन में फजीलत तकवे की बुनियाद पर है, सिर्फ बाय डिफ़ॉल्ट अल्लाह की तरफ से, यानी कोई इनहेरेंटली कोई बंदा कोई कमाल का नहीं हो सकता। फ़ला तख़्ज़ना बिलकौली, तो आप गुफ्तगू के अंदर मुलायम बात ना करें, नरम बात ना करें। फ़यत्मअ अल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही, कि लालच करे वो जिसके दिल में मर्ज़ है, यानी आप जब भी नॉन महरम से बात करें तो आपके दिल के, आप इतनी नरम और इस तरह की लाइट गुफ्तगू ना करें कि जिसके दिल में कोई बुरी बात है उसका दिल ललचाना शुरू कर दे और वो समझे कि वो कुछ और गलत मैसेज लेना शुरू कर दे। नहीं, वकुल नकौल मारूफ़ा, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अब आप लड़ना शुरू कर दें, बड़े डिग्निफाइड और एक रिस्पेक्टफुल मैनर में बात करें, यानी बात स्ट्रेट फॉरवर्ड हो लेकिन हो रिस्पेक्टफुल मैनर में, मारूफ तरीके के मुताबिक हो, और इतनी नरम और इतनी इनफॉर्मल ना हो। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लियाज़ बिल्लाह इनफॉर्मल तरीके से बात की जाती है, चाहे वो चैट के थ्रू हो, चाहे वो ईमेल्स के थ्रू हो, चाहे वो इन पर्सन हो, चाहे वो प्राइवेटली हो, व्हाट्सएप पे हो, किसी भी सूरत में हो, आपका जो टोन है वो एक प्रोफेशनल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए। और इस अंदाज से अपने आप को आप भी सोचें, मर्द भी और औरतें भी, ख़ास तौर पे औरतों को हुक्म है कि वो ये इंश्योर करें, वो देखें कि कहीं उनके वर्ड्स का कोई गलत मैसेज तो नहीं जा रहा किसी तरीके से, हो सकता है उनके दिल में कोई भी, देखें अल्लाह ताला को दिलों के राज का पता है, और शैतान इंसान के दिल में कोई बात कब डाल देता है किसी को नहीं पता, हमें नहीं पता कि अगला क्या फील कर रहा है उस टाइम, ठीक है। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को हुक्म दिया, और ये अहकामात तमाम उम्मत की खवातीन के लिए और हमारे लिए भी हैं ज़ाहिर। वकरनफ़ी बुयूतिकुन्ना, और अपने घरों में ठहरी रहो, वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल उला, और उस तरीके से अपने आप को मुज़य्यन ना करो जिस तरीके से पहले जाहिलियत में मुज़य्यन किया करती थी। व अकीमन सलात, यानी अपने आप को इस तरीके से फैशन और बहुत ज़्यादा ऑर्डेन न करो, यानी अपने आप को अडॉन न करो जिस तरीके से जाहिलियत में औरतें किया करती थीं, बल्कि अपनी खूबसूरती को छुपाओ। आगे अल्लाह हुक्म फरमाएंगे कि तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारी फैशन, ये सारी चीज़ें
किन किन लोगों के सामने होना चाहिए, लोगों के सामने नहीं होना चाहिए, आम लोगों के सामने। व अक़िमन सलाता, नमाज़ क़ायम करो। व आतीन ज़कता, ज़कात अता करो। व अतीअन अल्लाह व रसूल, अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर-रिज्स अहलल बैत, ए अहले बैत, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ैमिली, अल्लाह ताला चाहते हैं कि तुमसे गंदगी को दूर कर दें। व युतहिरकुम तत्हीरा, और तुम्हें खूब पाक साफ करके रखें। वज़कुरनमा युतला फ़ी बुयूतिकुन्ना, और आप जिक्र कीजिए जो पढ़ा जाता है आपके घरों में। मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा, अल्लाह की आयतों में से और हिकमत में से, जो तिलावत अल्लाह ताला की आयत और हिकमत में आपके घर में की जाती हैं उनको खूब रिपीट करें, याद रखें। इन्नल्लाह कान लतीफ़न ख़बीरा, बेशक अल्लाह ताला बहुत बारीक बीन और ख़बर रखने वाले हैं। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, बेशक मुसलमान मर्द मुसलमान औरतें। वल मुमिनीन वल मुमिनात, मोमिन मर्द मोमिन औरतें। वल क़ानितीन वल क़ानितात, फरमाबरदार मर्द और फरमाबरदार औरतें। वस्सादिकीन वस्सादिकात, सच बोलने वाले मर्द और सच बोलने वाली औरतें। वस्साबिरीन वस्साबिरात, सब्र करने वाले मर्द, सब्र करने वाली औरतें। वल खाशिईन वल खाशिआत, अल्लाह के सामने खुशू और आजी करने वाले मर्द और आजी करने वाली औरतें। वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात, सदका करने वाले मर्द और सदका करने वाली औरतें। वस्साइमीन वस्साइमात, रोज़ा रखने वाले मर्द और रोज़ा रखने वाली औरतें। वल हाफिज़ीन फुरूजहुम वल हाफिज़ात, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और औरतें। वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात, अल्लाह का कसरत से जिक्र करने वाले मर्द और औरतें। अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन, इन सब के लिए अल्लाह ने मग़फ़िरत तैयार करके रखी है, बख्शिश। व अजरन अज़ीमा, और बहुत बड़ा अजर तैयार कर रखा है। वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन, नहीं किसी मोमिन मर्द के लिए और किसी मोमिन औरत के लिए लायक नहीं है। इदा क़दल्लाहु व रसूलुहु अमरन, कि अगर अल्लाह और उसके रसूल किसी मामले में फ़ैसला कर दें। अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम, कि उनके पास उस मामले में किसी किस्म का कोई इख्तियार हो। जब अल्लाह और उसके रसूल ने फैसला कर दिया, अब आपके पास इख्तियार ख़त्म हो गया, अब आपको मानना है। और मैं यासिल्लाह व रसूलहु, जिसने अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी की, फ़कद दल्ला ज़लालन मुबीना, बस वो बहुत वाज़े और सरी गुमराही का शिकार हो गया। व इस्तकूर, अब यहाँ पे अल्लाह ताला हज़रत ज़ैद का वाक़िये का आगाज़ करते हैं। व इस्तकूर लिल्लज़ी अनअम अल्लाहु, और जब आप फरमाते थे उस शख्स को जिस पर अल्लाह ने इनाम किया। व अनअमत अलैहि, और आपने भी उन पर इनाम किया, यानी आपके साथ घर में रहे, आपने बहुत उनके साथ अच्छा मामला किया। अमसिक अलैका ज़ौजक, आप क्या फरमाते थे, आप कहते थे अपनी बीवी को अपने पास रखो, यानी कोई बात नहीं, मुश्किलात आती हैं, अपनी बीवी के साथ अच्छा मामला करो, कोशिश करो ये मामला चलते रहें। वत्तकिल्लाह, और अल्लाह से डरते रहो। वतुख्फी फ़ी नफ़सिकम अल्लाहु मुब्दीही वतख्शा अन्नास, और आप अपने दिल में वो छुपा रहे थे जिसको अल्लाह ज़ाहिर करने वाले थे, और आप लोगों से डर रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल में बुरा लग रहा था ना, तो अल्लाह कहते हैं अल्लाह ज़ाहिर करने वाले थे और आप लोगों से डर रहे थे। वल्लाहु अहक्कु अन तख्शा, अल्लाह ज़्यादा हकदार हैं कि आप उनसे डरें। फलम्मा कदा ज़ैदुन, जब ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी ज़रूरत को पूरा कर लिया। वतरन ज़व्वजना का, जब फैसला जब पूरी कर ली ज़ैद अली सलातु वस्सलाम से, उन्होंने अपनी ज़रूरत, अपनी हाजत, यानी अपनी वाइफ से अपने ताल्लुकात पूरे कर लिए, तलाक़ दे दी। ज़व्वजना कहा, हमने आपका निकाह उनके साथ कर दिया। हज़रत ज़ैनब फ़ख्र किया करती थी हज़रत आयशा पे। हज़रत आयशा कहती थी, मैं वो खातून हूँ, मेरी पाकिज़गी अल्लाह ने सूरह नूर में कुरान मजीद में बयान की है। हज़रत ज़ैनब कहती हैं, मेरी ख़ास बात यह है कि मेरा निकाह अल्लाह ने आसमान पे किया। हज़रत ज़ैनब के साथ अल्लाह के रसूल का निकाह नहीं हुआ था, डायरेक्ट अल्लाह ने कहा था हमने ज़व्वजना कहा, आप उनको बस अपने घर ले आए, बात ख़त्म हो गई, इसमें कोई फॉर्मेलिटीज़ में जाने की ज़रूरत ही नहीं। अल्लाह कहते हैं, जब ज़ैद ने अपनी ज़रूरत को पूरा कर लिया और उनको तलाक दे दी, तो हमने आपकी शादी उनके साथ कर ली। लिकैला यकून अलल मुमिनीन हरज, ताकि मोमिनों पर कोई तकलीफ़ ना हो। किस चीज़ के बारे में तकलीफ़ ना हो? फ़ी अज़वाजी अदईयाहिम, अपने मुँह बोले बच्चों की बीवियों के बारे में। कल को अगर उनको शादी करनी पड़ जाती है तो कहीं उनको मसला ना हो। क्यों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना मौजूद है, सुन्नत मौजूद है। इज़ा क़ज़ऊ मिन्हुन नवतरा, जब वो पूरी कर चुके अपनी ज़रूरियात उनसे। वकान अमरुल्लाहि मफ़ऊला, और अल्लाह ताला का जो हुक्म है वो होके रहने वाला है। मा कान अलन नबी मिन हरजिन फ़ीमा फ़रदल्लाहु लह, एक नबी को ये लायक नहीं है कि उसको तंगी हो इस बात से जो अल्लाह ने उन पर फ़र्ज़ किया। अब देखें अल्लाह ताला जो है, अच्छा ये जो आयात है ना, ये इस बात की दलील है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान अपनी तरफ से नहीं बनाया। क्योंकि कौन बंदा जो अपने आप को तनकीद करता है? हज़रत आयशा कहती हैं कि ये आयात इतनी सख्त थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, कि अगर अल्लाह के रसूल ने पूरे कुरान मजीद में कोई आयात छुपानी होती तो वो ये छुपाते। और नबी अगर ये कुरान अल्लाह माफ़ करे खुद बनाया होता तो अपने आप को ये सारी बातें कह रहे होते जिनसे आप परेशान हो रहे हैं, अपने आप को परेशान कर रहे होते। लियासुबिल, नबी के लिए जायज़ नहीं है कि अगर अल्लाह ने कोई चीज़ उस पर फ़र्ज़ की है तो उसके दिल में कोई तंगी हो।
سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، یہ اللہ کی سنت اور دستور ہے ان لوگوں میں جو گزر چکے. وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور اللہ کا حکم صحیح اندازے سے مقرر کردہ ہے. الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ لوگ جو پہنچاتے ہیں اللہ کے پیغامات، ویخشونہ، یعنی وہ نبی جو اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں. اب اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نا یاد دہانی بھی کر رہے ہیں، تنبیہ بھی فرما رہے ہیں، پیار محبت سے ان کو یعنی سمجھا رہے ہیں کہ وہ نبی جو اللہ کے پیغامات کو پہنچاتے ہیں، ویخشونہ، اور اللہ سے ہی ڈرتے ہیں. ولا یخشون احدا الا اللہ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. وکفا باللہ حسیبا، اللہ کافی ہیں حساب لینے والے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ایک سمجھا رہے ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، حقیقی والد. ولکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں. وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو. وسبحوہ بکرۃ و اصیلا، اور صبح شام اس کی پاکیزگی بیان کرو. ھو الذی یصلی علیکم و ملائکتہ، وہی ذات ہے جو تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے. وہ فرشتے، اور فرشتے بھی کیا کرتے ہیں؟ دعائیں کرتے ہیں. لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ تمہیں نکالے اندھیروں سے، گمراہی کے اندھیروں سے، اور تمہیں کدھر لے کے جائے؟ نور کی طرف. وکان بالمؤمنین رحیما، اور وہ ہے مومنوں پر بہت مہربان. تحیتهم یوم یلقونہ، جس دن وہ اللہ سے ملیں گے تو ان کا گفٹ کیا ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں سلام، سلامتی ان کا گفٹ ہوگا. واعد لهم اجرا کریما، اور ہم نے ان کے لیے تیار کیا بہت اچھا اجر. یا ایها النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، ہم نے آپ کو بنا کے بھیجا ہے گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا. ونذیرا، اور ڈرانے والا. وداعیا الی اللہ، اور اللہ کی طرف پکارنے والا. باذنہ، اس کے حکم سے. وسراجا منیرا، اور چمکتا ہوا روشن چراغ بنا کے بھیجا آپ کو. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا تنبیہ بھی فرمائی، ڈانٹا، لیکن ساتھ ہی محبت سے آپ کی تعریف بھی کی. یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے ساتھ اور اللہ اپنے مسلمان بندوں کے ساتھ بھی اس طریقے سے معاملات کرتے ہیں. وبشر المؤمنین، مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے. بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا، کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے. ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور آپ کافروں اور منافقوں کی باتوں کو نہ مانیے. ودع عذاهم، اور ان کی تکلیفوں کو اگنور کریں. وہ جو آپ کو باتیں بنا رہے ہیں اس ٹائم، ان کو اگنور کر دیجئے. وتوکل علی اللہ، اللہ پہ توکل کیجئے. وکفا باللہ وکیلا، اللہ تعالیٰ بہت کافی ہے آپ کے وکیل کے طور پہ. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب بھی تم مومن عورتوں سے نکاح کرو. ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، پھر تم ان کو طلاق دے دو بغیر چھوئے، ابھی ان کو تم نے ٹچ نہیں کیا. کیا مطلب ہے چھونا؟ یا ایسے علماء مراد لیتے ہیں، یعنی آپ نے ان کے ساتھ کوئی جسمانی تعلقات قائم نہیں کیے. فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا، تو پھر تمہارے لیے ان پر کوئی عدت نہیں ہے جس کو تم شمار کرو. یعنی پھر عورت کے اوپر کوئی عدت نہیں ہے. اگر میاں بیوی کے تعلقات، یعنی میاں بیوی کی شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا یا رخصتی بھی ہو گئی، لیکن کوئی تعلق قائم نہیں ہوا میاں بیوی کے درمیان، طلاق ہو جاتی ہے اللہ کی طرف سے، تو بیوی پر کوئی عدت نہیں ہے. جیسے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، وہ فوراً اس کے فوراً بعد، طلاق کے فوراً بعد وہ کسی اور سے شادی کر سکتی. فمتعوہن، جب تم ان کو رخصت کرو تو کچھ دے دلا کے رخصت کرو. وسرحوہن صراحا جمیلا، اور بڑے آنر اور رسپیکٹ فل مینر میں اس کا اچھے انداز سے ان کو رخصت کرو. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا احللنا لک ازواجک، ہم نے آپ کے لیے آپ کی بیویوں کو حلال کر دیا. اللاتی آتیت اجورہن، وہ عورتیں جن کو آپ نے ان کے مہر ادا کیے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ضروری تھا کہ وہ جب بیویوں سے شادی کریں ان کو مہر ادا کریں. وما ملکت یمینک، اور ہم نے آپ پر وہ بھی حلال کر دیں جو آپ کی لونڈیاں ہیں، یعنی جن کی جو آپ کی ملکیت میں ہیں. مما افا اللہ علیک، اس سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ لگا دیں، یعنی جو مال غنیمت میں لونڈیاں آ گئیں آپ کے حصے میں آ گئیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی لونڈیاں بھی ملی تھیں، آپ کو مل گئی ہیں تو آپ ان سے شادی کر سکتے ہیں، آپ ان سے نکاح کر سکتے ہیں. وہ بنات عمی کا، اور آپ کی چچا کی بیٹیوں سے بھی آپ کے لیے ہم نے حلال کر دی، آپ ان سے بھی شادی کر سکتے ہیں. وہ بنات عماتی کا، پھوپھیوں کی بیٹیوں سے بھی آپ شادیاں کر سکتے ہیں. وہ بنات خالی کا، خالہ کی بیٹیوں سے بھی آپ شادی، یعنی سوری ماموں کی، خال کہتے ہیں ماموں کو، ماموں کی بیٹیوں سے. وہ بناتی خالاتی کا، اور خالاؤں کی بیٹیوں سے بھی آپ شادی کر سکتے ہیں. اللاتی ہاجرن معک، وہ جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی. امرأت مؤمنۃ، اور مومن عورت سے بھی آپ شادی کر سکتے ہیں. ان وہبت نفسہا، اگر وہ اپنے آپ کو آپ کو گفٹ کر دیں. للنبی، یہ نبی کے لیے. ان اراد النبی ان یستنکحہا، اگر نبی ان سے نکاح کرنا چاہیں. خالصۃ لک، یہ صرف آپ کے لیے ہے. من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کے، مومنوں کے لیے اجازت نہیں.
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ास हुक्म ये था कि अगर कोई औरत चाहती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने आप को गिफ्ट कर देती कि अल्लाह के रसूल मैंने अपने आप को गिफ्ट कर दी है, अब आप मुझसे शादी कर सकते हैं। क्यों ये फ़र्क क्या निकाह और इसमें? इसमें फ़र्क ये है कि आपको पता है निकाह के लिए वली की इजाज़त की ज़रूरत है, वली की इजाज़त के बगैर निकाह नहीं हो सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला निकाह इल्ला बि वली। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ऐसी थी कि अगर कोई औरत चाहती अपने बाप की इजाज़त के बगैर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिफ्ट कर सकती हो तो अल्लाह ने इजाज़त दी थी वो कर सकती है। ये ख़ास बात थी, ये सिर्फ मोमिनों के लिए नहीं थी, सिर्फ नबी के लिए ख़ास थी। और एक औरत आई, उसने अल्लाह के रसूल से कहा अल्लाह के रसूल मैं अपने आप को गिफ्ट करती हूँ, तो अल्लाह के रसूल ने इंतज़ार फरमाया। उन्होंने समझा कि शायद अल्लाह के रसूल अभी कुछ कहेंगे, आप चुप रहे। एक सहाबी ने कहा कि अल्लाह के रसूल मुझे लगता है जैसे आप इनसे निकाह नहीं करना चाहते, तो अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं निकाह कर लेता हूँ, मुझे ज़रूरत है निकाह की है। आपने कहा कि ऐसा करो, आपने उसे थोड़ा सा मेहर दिया और आपने कहा जाओ तुम्हें मैंने इसके साथ नवानी निकाह कर दिया, तुम्हारी शादी कर दी। तो कहने का मतलब है ये औरत कर सकती है ऐसे। قد علمنا ما فرضنا عليهم, हम खूब जानते हैं जो हमने फ़र्ज किया उन पर, फ़ी अजवाजहिम उनकी औरतों के मामले में, وما ملكت ايمانهم और जो उनकी मलकियत है उनके मामले में, उनकी कनीज़ों के बारे में, لكي لا يكون عليك حرج ताकि ना हो आप पर कोई तंगी, وكان الله غفور الرحيم अल्लाह बख्शने वाले रहम करने वाले, ترجي من تشاء आप दूर रखें जिसको आप चाहें, منهن उन बीवियों में से उन औरतों में से, وتؤوي إليك من تشاء और जिनको चाहें आप अपने पास रखें। अच्छा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक दूसरा ख़ास हुक्म क्या था? ये सिर्फ ख़ास हुक्म है, इसीलिए आप देखें कुरान मजीद में नबी और उम्मती के लिए हुक्म एक होता है, उसूल पहले भी हम पढ़ चुके, लेकिन एक्सेप्शन वहाँ पे हैं जहाँ पे दीन ने खुद एक्सेप्शन कर दी, और ये एक्सेप्शन अल्लाह ने कुरान में बयान कर दी ताकि लिकैला यकून अलैका हरज, आप पे कोई तंगी ना हो कि लोग क्या कहेंगे। कोई बात नहीं, अल्लाह ने आपको खुद इजाज़त दी। दूसरा हुक्म ख़ास ये था, आपको पता है कि एक बंदा जिसकी मल्टीपल वाइव्स हों उसके ऊपर लाजिम है कि वो अदल करे, उसको अगर इतना टाइम दिया तो इसको इतना टाइम, बकायदा अहादीस में टाइम भी बताया कि अगर नई बीवी है तो उसके लिए इतना टाइम, पुरानी बीवी के लिए इतना टाइम, फिर बाद में आपने कुछ अरसे के बाद आपने दोनों के लिए बराबर टाइम उनको देना है, उनके पास रहना है, उनके पास टाइम देना है, अहकामात मौजूद हैं। अच्छा, लेकिन नबी को ये ख़ास इख्तियार था कि अगर अल्लाह के रसूल चाहते तो किसी बीवी को अगर ना भी टाइम दें तो अल्लाह ने इजाज़त दे दी थी कि आप जिसको चाहें अपने से दूर रखें, जिसको चाहें तो आप अपने करीब कर लें। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको प्रैक्टिस नहीं किया था। हज़रत आयशा कहती हैं इसके बावजूद अल्लाह के रसूल हमसे इजाज़त ले, अगर आपने कभी किसी बीवी के पास ज़्यादा टाइम स्पेंड करना होता आप पहले दूसरी से इजाज़त लेके करते थे, हालांकि अल्लाह ने इजाज़त दे दी थी, आपकी मर्ज़ी है, आप पर कोई गुनाह नहीं। लेकिन अगर कोई दूसरा मोमिन बंदा ऐसा करता है कि वो एक औरत के पीछे चल जाता है और अपनी दूसरी बीवी को बिल्कुल ही छोड़ देता है, तो ऐसे ऐसे ये अदल के ख़िलाफ़ है और ये नाइंसाफ़ी है। वमन इब्तगैत मिम्मन अज़लता, और जिससे आप चाहें आप और जिसको आप तलब करें उसमें से जिनको आपने दूर कर दिया था, फ़ला जुनाह अलैक, हाँ अगर आपने किसी बीवी को दूर कर दिया अपने से, बाद में आप उसको दोबारा अपने पास बुला लें तो कोई बात नहीं। ज़ालिका अदना अन तक़र्रा अय्युनहुन, ये ज़्यादा करीब है कि ठंडी रखें रहीं आपकी आँखें, उनकी आँखें, ये ज़्यादा करीब है इससे कि उनकी आँखें ठंडी रहें। वला यहज़न्ना, और ना, अल्लाह कहते हैं ये अहकामात हमने कुरान में इसलिए बयान कर दी हैं कि आपकी बीवियों की आँखें ठंडी रहें, वो गम ना करें, वला यहज़न्ना वयरदैना बिमा आतैतुहुन्ना कुल्लुहुन्ना, और वो राज़ी रहें उससे जो उनको आपने अता की सब की सब। वल्लाहु यअलमु मा फी कुलूबिकुम, अल्लाह खूब जानता है जो तुम्हारे दिलों में है, वकान अल्लाहु अलीमन हलीमा, और अल्लाह ताला बहुत जानने वाले और हिल्म रखने वाले हैं। ला यहिल्लु लकन निसाउ मिन बाद, हाँ लेकिन ये सारे अहकामात देने के बाद अल्लाह ने एक चीज़ लगा दी, अल्लाह ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बाद अब आपके लिए कोई औरत हलाल नहीं है, अब आपके पास जितनी बीवियाँ हैं शादियाँ, बस अब आप और बीवियों से शादी नहीं कर सकते। वला अन तबद्दल बिहिन्न मिन अज़वाज, और ना आप नहीं आपके लिए कि आप बदल लें उनसे कोई औरतें, अपनी बीवियों में से कोई औरतें बदल लें। वलौ अअजबका हुस्नुहुन्ना, अगरचे आपको कोई औरत बहुत ही खूबसूरत क्यों ना लगे, इल्ला मा मलकत यमीनुक, सिवाय उनके जो आपकी मलकियत में हो। हाँ एक एक्सेप्शन है कि आपकी लौंडियाँ अगर आपको मिल जाएं तो आप उनको अपने साथ कर सकते हैं, लेकिन आप कई नई किसी नई औरत से अब इसके बाद शादी, यानी अल्लाह ने इतनी जब आपको आसानियाँ दे दी हैं लेकिन अब आप नई औरतों से शादी नहीं कर सकते। वकान अल्लाह अला कुल्ली शय रकीबा, और अल्लाह ताला हर चीज़ का निगहबान है। या अय्युहल लदीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तदखुलू बुयूतन नबी, ना तुम दाखिल हो नबी के घरों में, इल्ला अन युअज़न लकुम, मगर ये कि तुम इजाज़त लेके आओ। अब यहाँ पे इन आयात का बैकग्राउंड ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हज़रत ज़ैनब से निकाह हो गया तो आपने सहाबा को वलीमे पे की दावत दी। जब वलीमे की दावत दी तो अब सहाबा आ गए, अब सहाबा को बड़ी खुशी भी थी,
ظاہر ہے نبی کی شادی اور صحابہ مدینہ کے اندر بڑے صحابہ اور جوش و خروش سے آئے کہ ہم اپنے نبی کی ایک گھر جا رہے ہیں، ان کو اللہ نے ان کی شادی ہوئی ہے، تو وہ آئے تو انہوں نے بڑے انجوائمنٹ کیجول وے کے اندر بیٹھے رہے، گپے بھی لگاتے رہے، لمبا ٹائم گزارتے رہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی اس بات کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر بڑے ڈسپلن تھے، آپ کا ایک ٹائم ہوتا تھا، آپ ہر چیز کو، اور آپ کا دل تھا کہ آپ اپنی بیوی کے پاس واپس جائیں، اور ظاہر ہے عام طور پہ ایسا ہوتا ہے شادی کی رات کو عام طور پہ بیچارے دلہا کو جانے نہیں دیتے ان کی اپنی بیوی کے پاس، پوری پوری رات جگاتے ہیں اس بیچارے کو، کوئی دوست آ جاتے ہیں، کوئی فیملی والے آ جاتے ہیں. تو اللہ کے رسول تنگ ہوئے بڑے، تو اللہ نے قرآن مجید میں آداب سکھائے. کیا دکھائے؟ کہ جب آپ نبی کے گھر میں داخل ہوں تو آپ پہلی بات ہے اجازت لے کے داخل ہوں، الا طعام غیر ناظرین الہ، اور آپ وہاں پہ کھانے کے انتظار میں بیٹھے نہ رہیں، جب آپ کو اجازت ہو تب آئیں، یہ نہ ہو کہ پہلے ہی آ جائیں اور اب آپ انتظار کریں کہ کھانا آئے گا پھر ہم بیٹھیں گے. تو اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ جب کوئی بندہ دعوت کے لیے بلائے تو بہت جلدی بھی نہیں جانا چاہیے، وہ بیچارہ پریشان ہو جائے گا اب اس کو ٹائم دینا پڑے گا، تو ٹائم نارمل ٹائم پہ جائیں آپ اس کے ساتھ نا. ولیکن اذا دعیتم، اور جب وہ تمہیں بلایا جائے، فادخلوا، تو تم گھر میں داخل ہو جاؤ، فاذا طعمتم، جب تم کھا لو، فانتشروا، تو پھر پھیل جاؤ. کھانے کے بعد، اچھا اس دوسرا ادب یہ پتا چلا، کھانا کھا لینے کے بعد زیادہ لمبی دیر بیٹھنا بھی نہیں چاہیے. آپ نے اپنی بات کر لی، مل لیا، کھانا کھا لیا، اب نکلیں وہاں سے، تاکہ گھر والے بھی تھوڑے ریلیکس ہوں. گھر میں سامان ہوتا ہے، خواتین نے گھر سیٹ کرنا ہوتا ہے، کچن سیٹ کرنا، بڑے مسائل ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے، یہ بڑی نارمل چیزیں، ہم عام طور پہ اس کی اہمیت نہیں دیتے. خاص طور پہ رشتہ دار ہیں نا، وہ تو پتہ لگتا ہے جیسے کہ چار، اور خاص طور پہ وہ والے رشتہ دار جو باہر سے آئے ہو کسی اور شہر سے، وہ تو سمجھتے ہیں جیسے رات ہی یہیں پہ رہنی ہے، اللہ معاف کرے. تو بیچارے فیملی والے تنگ ہو رہے ہوتے ہیں، ایک تو انہوں نے تیاری کی کھانوں کی، پھر گھر سمیٹنا ہوتا ہے، پھر وہ آپ کی وجہ سے تنگ ہو رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ولا مستأنسین لحدیث، پھر گپے لگانے کے لیے وہاں پہ بیٹھے نہ رہو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن یہ اس سے ہمارے لیے بھی لیسنز ہیں. ان ذالکم کان یؤذی النبی، بے شک یہ بات تکلیف دیتی ہے نبی کو. فیستحیی منکم، لیکن ان کو شرم آتی ہے آپ کو یہ بات کہتے ہوئے. نبی کو شرم آتی تھی کہ وہ صحابہ کو اب کہیں جی اب اٹھو جاؤ گھر، ظاہر ہے مہمان بیچارہ، وہ جو ہوسٹ ہے وہ نہیں کہہ سکتا کہ اب آپ بس کریں جی اٹھیں. واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن اللہ تعالیٰ حق کی بات سے شرماتے نہیں. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور جب تم ان کی بیویوں سے کچھ بات کچھ مانگو ان سے کوئی چیز، فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب، تو تم پردے کے پیچھے سے بات کرو. اللہ نے حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے کہ جب بھی آپ، اور ہماری تمام وائفس کے لیے بھی ہے، کہ اگر آپ کسی کے گھر گئے ہیں اور آپ اگر ان سے، ان کی وائف سے آپ کو کوئی انٹریکشن کرنی پڑتی ہے، کوئی کام، کوئی چیز مانگنی پڑتی ہے ضرورت کے تحت، تو آپ پردے کے پیچھے سے مانگیں. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے بھی. وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور تمہیں یہ لائق نہیں ہے، یہ بات تمہارے لیے درست نہیں ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے رسول کو تکلیف دو. ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعد ابدا، اور نہ تمہارے لیے یہ لائق ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو. تو اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں، جو آپ کے بعد حضرت عائشہ جیسی امہات المومنین رہیں، ان سے حرام کر دیا کہ کوئی بندہ ان سے، نبی جس عورت سے نبی نے ایک دفعہ نکاح کر لیا، اب اس کے بعد اس عورت سے کوئی بندہ نکاح نہیں کر سکتا. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت بڑی بات ہے. ان تبدو شیئا، اگر تم کوئی چیز ظاہر کرو گے، او تخفوہ، یا اس کو تم چھپاؤ گے، فان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. لا جناح علیہن فی آبائہن، کوئی گناہ نہیں عورتوں پہ کہ اگر وہ پردہ نہ کریں اپنے باپوں کے سامنے. ولا ابنانہن، اپنے بیٹوں کے سامنے. ولا اخوانہن، اپنے بھائیوں کے سامنے. ولا ابنائی اخوانہن، نہ اپنے بھتیجوں کے سامنے. ولا ابنائی اخواتہن، نہ اپنے بھانجوں کے سامنے. ولا نسائہن، اور نہ دیگر عورتوں کے سامنے. ولا ما ملکت ایمانہن، اور نہ وہ مرد جو ان کی ملکیت میں ہے، جو ان کے غلام. واتقین اللہ، اللہ سے ڈرتے رہیے. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ گواہ ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس فرشتے، یعنی اللہ تعالیٰ رحمت کرتے ہیں اور فرشتے دعائیں کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ، آپ بھی درود بھیجو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ. وسلموا، اور سلام بھیجو، تسلیما، خوب سلام بھیجو. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پہ دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے. واعد لہم عذابا مہینا، اور ہم نے تیار کیا ان کے لیے بہت ہی رسوا کن عذاب. والذین یؤذون المؤمنین، وہ لوگ جو مومنوں کو تکلیف دیتے ہیں. والمؤمناتی، اور مومنات کو بھی تکلیف دیتے ہیں. بغیر ما اکتسبوا، حالانکہ ان نے کچھ کیا نہیں ہوتا، اس کے باوجود ان کے اس لیے گندی باتیں کرتے ہیں، ان کے پر الزامات لگاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا،
तो ऐसे लोग जो हैं उन्होंने उठाया बहुत बड़ा बोहतान और बहुत बड़ा गुनाह किया। या अय्युह नबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल अज़वाजी का, कह दीजिए अपनी वाइफ से, अपनी बीवियों से, व बनाती का अपनी बेटियों से भी कह दीजिए, व निसाइल मोमिनीना, और मोमिन मर्दों की, मोमिनों की औरतों से कह दें, उनकी बेटियों से और उनकी बहनों से, बीवियों से कह दीजिए, युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन, कि वो अपने ऊपर चादर ओढ़ के रखा करें, अपने आप को छुपा के रखा करें, पर्दा करके रखा करें, ज़ालिका अदना अन युअरफना फला युअज़ीन, ये ज़्यादा करीब है कि वो पहचानी जाएँ ताकि उनको ना सताया जाए। अब देखें यहाँ पे पर्दे के अल्लाह ने मकसद बताया, पर्दा करना और ख़ास तौर पे अपने आप को छुपाना, ये औरत का हुक्म है अल्लाह ताला की तरफ से। और मकसद क्या है कि औरत पहचानी ना जाए, जब पहचानी नहीं जाएगी तो फला युअज़ीन, तो उनको तकलीफ़ नहीं दी जाएगी। तो हिजाब वही अच्छा है जो आपको छुपाता है। हमारे यहाँ हिजाब के भी नए नए मॉडल्स आए हैं, सुभान अल्लाह, हमारे पास बकायदा हिजाब मॉडलिंग होती है, आप हैरान, मैंने खुद देखा लोग बकायदा, वो बस फ़र्क ये होता है कि हम समझते हैं हिजाब का मतलब बालों को छुपाना है, वो आजकल कुछ ख़वातीन हैं वो जूड़ा बना लेती हैं, कपड़े का ही जूड़ा बना देती हैं, बाकी सब कुछ उनका वैसे ही ड्रेसिंग होती है, वो कहती हैं जी हिजाब किया। हिजाब का मतलब बालों को छुपाना नहीं है, हिजाब का मतलब है अपने आप को छुपाना, और इतना छुपाना, एक तो आपकी खूबसूरती छुप जाए और दूसरी बात यह कि आप पहचानी ना जा सकें, इतना अपने आप को कवर किया जाए। मकसद क्या है? ताकि आपको तकलीफ से बचाया जा सके। लइल्लम यंतहिल मुनाफिकून, अगर मुनाफिक लोग बाज ना आए, वल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन, और वो लोग जिनके दिलों में मर्ज़ है, वल्मुर्जिफून फ़िल मदीनती, और मदीना यानी शहर के अंदर झूठी अफवाहें फैलाने वाले, लनुग़रियन्नका बिही, तो अल्लाह के रसूल हम आपको उन पर मुसल्लत कर देंगे, थुम्मा ला युजाविरूनका फ़ीहा इल्ला क़लीला, फिर वो आपके पड़ोस में नहीं रह सकेंगे मगर थोड़े लोग, मलऊनीना, उस वक्त वो फटकारे हुए होंगे, लानत ज़दा होंगे, आईना मासुकीफू, जहाँ भी वो पाए जाएंगे उखिदू, उनको पकड़ा जाएगा, वक़ुत्तिलू तकदीला, बुरी तरीके से उनको कत्ल कर दिया जाएगा, सुन्नतल्लाहि फ़िल्लज़ीना ख़लौ मिन क़ब्ल, ये अल्लाह का दस्तूर है उन लोगों में जो गुजरे पहले, वलन तरीद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, और ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कभी भी नहीं पाएंगे कि अल्लाह की सुन्नत और अल्लाह का दस्तूर बदल रहा है। यसअलुकन्नासु अनिस्सा, लोग आपसे पूछते हैं क़्यामत के बारे में कब आएगी, कुल इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाह, कह दीजिए उसका इल्म तो मेरे अल्लाह के पास है, वमा युद्रीक लअल्लस्साअत तकूनु करीबा, और नहीं तुम्हें खबर, हो सकता है क़्यामत बिल्कुल करीब हो जाए, बिल्कुल आ जाए, इन्नल्लाहा लअनल काफिरीन, बेशक अल्लाह ताला काफिरों पर लानत फरमाता है, व अअद्द लहुम सईरा, और उनके लिए जहन्नुम का अज़ाब तैयार कर रखा है, खालिदीन फीहा अबदा, वो उसमें हमेशा रहेंगे, लायजिदून फीहा वली वला नसीरा, नहीं कोई पाएंगे उसमें कोई दोस्त और ना कोई मददगार, यौम तुक़ल्लबु वुजूहुहुम फिन्नार, जिस दिन उनके चेहरों को आग में उल्टा पलटा जाएगा, जिस तरह पकाने के लिए चीज़ों को उल्टा पलटते हैं ना, क़यामत के दिन अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला काफिरों को चेहरों को आग में इस तरह उल्टे पलटेंगे, यकूलूना, वो कहेंगे या लैतना, हाय अफसोस, अतअन अल्लाह व अतअन रसूल, हाय अफसोस, हम काश अल्लाह की बात मान लेते, रसूल की बात मान लेते, वक़ालू रब्बना इन्ना अतअना, और वो कहेंगे हाय अल्लाह, ए हमारे रब, इन्ना अतअना, हमने पैरवी की, हमने फॉलो की, हमने बात मानी, सादतना, अपने सरदारों की, तुझे छोड़ के हमने अपने सरदारों के पीछे लग गए, वकुबराअना, अपने बड़ों के पीछे लग गए, फअदल्लून सबीला, उन्होंने हमें गुमराह कर दिया, रब्बना आतिहिम ज़िफ़ैन मिनल अज़ाब, वही अपने घर के बड़े, वो अपने सरदार, उनके बारे में फिर क्या बददुआ करेंगे, अल्लाह इनको दुगना अज़ाब दे, वलअनहुम लअनन कबीरा, और इन पर बड़ी लानत कर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तकूनू कल्लज़ीना आज़ाऊ मूसा, ना हो जो तुम उन लोगों की तरह जिन्होंने मूसा को तकलीफ दी, फ़बर्रअहुल्लाहु मिम्मा क़ालू, अल्लाह ने उनको बरी कर दिया उससे जो उन्होंने बात की। इसके बारे में वाक़िया ये बयान करते हैं उलमा, सही हदीस में मौजूद है कि हज़रत बनी इसराइल ने, अल्लाह हज़रत मूसा बड़ी हया वाले थे, बहुत शर्म वाले, अपने जिस्म को बहुत ढांपते थे, बहुत छुपा के रखते थे, तो अपनी शर्म के बारे में इतने सेंसिटिव थे, तो लोगों ने कहा कि लगता है कि इनको ना कोई बीमारी है जिस्म पर, ये असल में वो छुपाते हैं, क्योंकि आपको पता है बेहयाई और बेशर्मी तो उनके यहाँ बहुत ज़्यादा थी, और ख़ास तौर पर नॉन मुस्लिम कौमों में तो वैसे ही बड़ी आम होती है, तो उन्होंने कहा एक बंदा इतनी अपने आप को छुपा रहा है तो इसका मतलब है इसमें कोई मसला है, तो अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं आई कि मेरे नबी के बारे में ऐसी बात की जा रही है, तो एक दफ़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नहाने लगे किसी तालाब के अंदर, तो आपने अपने कपड़े उतार के एक पत्थर पर रखे, तो अल्लाह का मौजा ऐसा हुआ कि पत्थर कपड़े लेके भागना शुरू कर दिया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि पत्थर कपड़े लेके भागे, आप पीछे पीछे भागना शुरू किया लाठी लेके, और आप आवाज़ें देते रहे पत्थर रुक जा मेरे कपड़े तो दे जा, ये सही वाक्य सही हदीस में है, ये कोई फेक बात नहीं, तो वो भागता गया यहाँ तक कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कौम के सामने आ गए, और उन्होंने देखा अल्लाह के उनके जिस्म को, बड़ा खूबसूरत जिस्म था क्योंकि बड़े ताकतवर और बड़े मजबूत थे, तो वहाँ पर रुक गया, तो आपने फ़ौरन अपने कपड़े अपने आप को छुपाया उनसे कपड़ों से, और आपने बाकायदा पत्थर को फिर मारना शुरू किया, यहाँ तक कि उस पत्थर पर निशान पड़ गए, क्योंकि बड़े सख्त थे मजबूत आदमी थे, तो पत्थर पर निशान पड़ गए,
तो सजा दी उस पत्थर को। तो अल्लाह कहते हैं अल्लाह ने उनको बरी कर दिया। वकान इंदल्लाहि वजीहा, अल्लाह के यहाँ बड़े ही वजीह, बड़े वजाहत वाले थे। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा, लोगों जो ईमान लाए अल्लाह से डरो, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और सीधी बात कहो, युस्लिह लकुम आमालकुम, वो तुम्हारे आमाल की इस्लाह कर देगा, वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाहों को बात कर देगा। तो कितनी बड़ी बात है, अपनी बात सीधी करना शुरू कर दो, अल्लाह तुम्हारे आमाल सीधे कर देगा। वो बंदा जो बेचारा परेशान है अपने मामलात निबट नहीं रहे, अल्लाह कहते हैं सबसे पहले अपनी ज़ुबान से शुरू करो, अपनी बात देखिए, जब कोई बंदा सीधी बात करता है ना तो क्या होगा, जब एक बंदे ने झूठ नहीं बोलना, अगर उसके मामलात ख़राब हैं, वो जब भी बात करेगा, अगर उसकी तरफ से कोई कमी होगी तो ज़ाहिर है उसको माजरत करनी पड़ेगी, उसको एहसास होगा, निदामत होगी, वो क्या करेगा, अगली बार कोशिश करेगा उसको सही करने के लिए। तो नेचुरली जो बंदा अपनी ज़ुबान की हिफाजत करता है, जिस बंदे ने कभी झूठ नहीं बोलना, जिस बंदे ने कभी वादा खिलाफी नहीं करनी, आप मुझे खुद बताएं उस बंदे के दुनिया के अंदर मामलात अच्छे नहीं होंगे तो क्या होगा। अल्लाह कहते हैं वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को भी माफ़ कर देगा। ومن يطع الله ورسوله, और जिसने अल्लाह और उसके रसूल की बात मानी, فقد فاز فوزا عظيما, तो यकीनन उसने बहुत बड़ी कामयाबी पा ली। इन्ना अरदना الامانه, बेशक हमने अमानत जिम्मेदारी पेश की, على السماوات والارض, आसमान और जमीन को, والجبال और पहाड़ों को, فابين ان يحملها, उन्होंने इनकार कर दिया उसको उठाने से, واشفقنا منها, और वो डर गए उससे, وحملها الانسان, लेकिन इंसान ने उठा ली। انه كان ظلوما جهولا, बेशक इंसान बड़ा जालिम और बड़ा नादान जाहिल, ليعذب الله المنافقين والمنافقات, ताकि अल्लाह अज़ाब दे मुनाफिक मर्दों को और मुनाफिकात और मुनाफिक औरतों को, والمشركين والمشركات, मुशरिकीन और मुशरिकीन मर्दों को और मुशरिकीन औरतों को, ويتوب الله على المؤمنين, और अल्लाह तौबा कबूल करें मोमिनों की, मोमिन मर्दों की, والمؤمنات और मोमिन औरतों की, وكان الله غفور الرحيم, अल्लाह बख्शने वाले रहम करने वाले। ये अमानत कौन सी है, ये अमानत वही है दुनिया के अंदर भेजने की जिम्मेदारी, दीन इस्लाम की अमानत और जिम्मेदारी। अल्लाह ताला ने पहले पहाड़ों से आसमानों और ज़मीनों को ये ऑफ़र की थी कि भाई मैं तुम्हें एक ज़िम्मेदारी दूंगा, तुम्हें कुछ चीज़ें करनी होंगी, मेरी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं उनको फुलफ़िल करना होगा, और फिर मैं तुम्हें इख्तियार दूंगा दुनिया के अंदर, ये जिस भी मामलात के अंदर तुम्हें ज़िंदगी में, तुम्हारी ज़िंदगी में इख्तियार दूंगा, तो उसके बाद जिसने उस मेरी बातों को पूरा किया उसके लिए अजर होगा, जिसने ना किया उसके लिए सज़ा होगी, तो तुम में से कौन है ये ज़िम्मेदारी लेने वाला। तो सारों ने इनकार कर दिया, पहाड़ों ने, आसमानों ने, ज़मीनों ने इनकार कर दिया, अल्लाह हम नहीं करना, डर गए वो अल्लाह के हैबत से। लेकिन इंसान मौजूद था, इंसान ने अल्लाह की तरफ से उसको किया। अब वो कौन इंसान था, हज़रत आदम थे, वल्लाहु आलम, अल्लाह ने स्पेसिफाई नहीं किया, लेकिन मालूम यही होता कि गालिबन शायद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बिहाफ़ पे, यानी पूरी उम्मत की एक रिप्रेजेंटेशन थी, किस तरीके से थी वल्लाहु आलम। पर अल्लाह ताला ने हमें ये, इंसान ने ख़ुद ये ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ली थी। आगे सूरत सबा है, ये मक्की सूरत है, ये कौम सबा वही वाली है जो जिसके बारे में हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात कर रहे हैं। इनको अल्लाह ताला ने बहुत माल और दौलत दी थी, इनके बारे में अल्लाह ताला जिक्र करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फिस्समावाती वमा फिल अर्द, अल्लाह ही के लिए है अल्लाह, तमाम हर किस्म की तारीफ अल्लाह के लिए है। लहू मा फिस्समावाती वमा फिल, उसी के लिए जो भी आसमान और ज़मीन में है। वलहुल हम्दु, उसी के लिए हर तारीफ है। फिल आखिरा, आखिरत में भी। वहू अल हकीमुल खबीर, वही हिकमत वाला और ख़बर रखने वाला है। यालमु मा यलिजु फिल अर्द, वो खूब जानता है जो दाखिल होता है ज़मीन। वमा यखरुजु मिन्हा, और जो ज़मीन से बाहर निकलता है उसको भी जानता है। वमा यन्ज़िलु मिनस्समाई वमा यअरुजु फीहा, और वो भी जानता है जो आसमान से नाजिल होता है, जो आसमान पर चढ़ता है, सबको जानता है। वहू अर्रहीमुल गफूर, वो बहुत बख्शने वाला और रहम करने वाला। वक़ाल अल्लज़ीना कफरू ला तातीनस साअ, काफिरों ने कहा कि क़यामत नहीं आएगी। कुल बला व रब्बी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें, मेरे रब की कसम, लतातीयन्नकुम, वो ज़रूर बज़रूर तुम पर आएगी। आलिमुल ग़ैब, वो जानने वाला है गैब को। ला यअज़ुबु अन्हु मिथक़ालु ज़र्रतिन फ़िस्समावाति वला फ़िल अर्द, नहीं कोई चीज़ छुपी हुई एक ज़र्रा बराबर भी आसमानों में और ज़मीनों में। वला असग़रु मिन ज़ालिका, ना उस ज़र्रे से भी छोटा। वला अकबरा, या उससे बड़ा। इल्ला फ़ी किताबिन मुबीन, मगर वो अल्लाह की किताब मुबीन में मौजूद है। लियज़ी अल्लज़ीना आमनू, ताकि अल्लाह जज़ा दे उन लोगों को जो ईमान लेके आए। वामिलुस सालिहाति, और नेक अमल। आखिर अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई है और आखिरत अल्लाह ने इसलिए रखी, अल्लाह ने जज़ा देनी। उलाइका लहुम मग़फ़िरतुन, और बख्शिश है उनके लिए। वरिस्कुन करीम, और बहुत बाइज़्ज़त रिज़्क। वल्लज़ीना सअऊ फ़ी आयातिना मुआरिज़ीना, वो लोग जो कोशिश करते हैं हमारी आयतों में उनको हराने के लिए, उनको आजिज़ करने के लिए, यानी हमारी आयात के ख़िलाफ़ वो खड़े होते हैं, हमारे दीन के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं कि किसी तरीके से हम इनको आजिज़ कर दें। उलाइका लहुम अज़ाबुम मिन रिज़्ज़िन अलीम, यही वो लोग हैं इनके लिए सख्त दर्दनाक अज़ाब में, इनके लिए सख्त दर्दनाक अज़ाब। वयरल्लज़ीना ऊतुल इल्म, और वो लोग जो इल्म दिए गए हैं वो क्या देखते हैं, वो क्या समझते हैं। अल्लज़ी उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिका हुवल हक, कि जो उनके रब की तरफ से उन पर नाजिल किया गया वो उसको हक समझते हैं। अहले इल्म जो हैं, अल्लाह की तरफ से वही आती है उसको हक समझते हैं, वो इसकी पहचान करते हैं। वयहदी इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद,
और वो रहनुमाई करता है उस रस्ते की तरफ से। अहले इल्म रहनुमाई करते हैं ऐसे रस्ते की तरफ से, वो रास्ता जो कि अजीज़ और हमीद का रास्ता है, यानी गालिब और तारीफ़ किए गए अल्लाह का रास्ता है। वक़ाल अल्लज़ीन कफ़रू, और कहा काफिरों ने, हल अदुल्लुकुम अला रजुलिन, क्या हम बतलाएँ तुम्हें ऐसे बंदे के बारे में, युनब्बिकुम, वो जो तुम्हें खबर देता है। काफिर ना एक दूसरे को बातें करते थे, वो कहते हैं क्या तुम्हें मैं ऐसे बंदे के बारे में बताएं, इज़ा मुज़्ज़िक तुम कुल्ल मुमज़्ज़क, जब तुम रेज़ा रेज़ा हो जाओगे, मट्टी बन जाओगे, इन्नकुम लफ़ी खल्क़िन जदीद, और वो कहता है कि तुम क्या करोगे, दोबारा तुम्हें ज़िंदा कर दिया जाएगा। तुम ऐसे बंदे के बारे में बताएं जो ऐसी बातें करता है, अफ्तरा अलल्लाही कदीबन, क्या तुम हमें ऐसे, क्या हम तुम्हें ऐसे बंदे के बारे में बताएं जो अल्लाह पर झूठ बांधता है, यानी नबी के बारे में कह रहे हैं ये अल्लाह पर झूठ बांधता है, अम बिही जिन्ना, या फिर वो पागल हो गया, बलिल्लज़ीन ला युमिनून बिल आखिरा, बल्कि वो लोग जो नहीं ईमान लाते आखिरत पे, फिल अज़ाबी व दलाल बईद, वो दूर की गुमराही और अज़ाब में होंगे। अफलम यरो इला मा बैना अयदीहिम, क्या उन्होंने नहीं देखा जो उनके आगे है, वमा खल्फहुम मिनस समाई वल अर्द, जो उनके पीछे है आसमान और ज़मीन में, इन नशा नख्सिफ बिहुम अल अर्द, अगर हम चाहें तो हम उनको धंसा दें ज़मीन में, और उसके तालेहिम किसफम मिनस समा, या हम आसमान पे ऊपर, आसमान से उनके ऊपर कोई अज़ाब का टुकड़ा गिरा दें, इन नफ़ी ज़ालिका लआया, इस पर बेशक निशानी है, लिकुल अब्दिन मुनीब, हर रुजू करने वाले बंदे के लिए, वलक़द आतैना दाऊद मिन्ना फ़ज़ला, और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ से फ़ज़ल अता किया, क्या चीज़ फ़ज़ल अता किया, या जिबालु अव्वबी माहू, ए पहाड़ों उनके साथ तस्बीह बयान किया करो, वह तयरा, और परिंदों तुम भी उसके साथ तस्बीह बयान किया करो, वह अलन्ना लहुल हदीद, और हमने लोहे को उनके लिए नरम कर दिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने लोहा गर्म कर दिया था, वो ज़िरे बनाया करते थे, लोहे के लिए ज़िरे बनाते थे, असलहे बनाया करते थे, अनअमल साबिगात, कि तुम बनाओ ज़िरे, वक़द्दिर फ़िस्सर्द, और अंदाज़ा रखो कड़ियों को, कड़ियाँ नहीं होती जो जोड़ते हैं आपस में, उनको उनके अंदाज़े बनाओ, व अमलु सालिहन, और नेक अमल करो, इन्नी बिमा तअमलून बसीर, जो तुम अमल कर रहे हो मैं उसको देखने वाला हूँ, वली सुलेमान अर्रीहा, ये तो दाऊद को अल्लाह ने अता किया ना, सुलेमान पर क्या रहम किया अल्लाह ने, फ़ज़ल किया, हज़रत सुलेमान के लिए अल्लाह ने हवा को मुसख़र कर दिया, गुदुव्वुहा शहरुन, उसकी सुबह की मंजिल एक माह की राह होती, यानी जो एक माह की मुसाफत होती वो सुबह के अंदर वो कर लिया करते, व रवाहुहा शहर, और इसी तरीके से शाम में भी वो इतना ज़्यादा सफ़र कर लेते कि जो एक माह में किया जाता है वो शाम, एक शाम के अंदर वो कर लिया करते थे, वह असलना लहू आइन अल क़त्र, और हमने बहाया उसके लिए तांबे का चश्मा, तांबा उनके लिए मुसख़र कर दिया, वह मिनल जिन्नी, और जिन उनके लिए मुसख़र किए, मैं अमलु बैन यदैही बिइज़्नि रब्बी, जो उसके सामने मजबूर होकर काम करते थे अपने रब की हुक्म की वजह से, अल्लाह के हुक्म की वजह से मजबूर होकर हज़रत सुलेमान के काम किया करते थे, और मैं यज़िग़ मिन्हुम अन अम्रिना, और जो दूर होगा हमारे हुक्म से, यानी जो हमारे हुक्म से निकलने की कोशिश करेगा, नुदिक़ु मिन अज़ाबि सईर, हम उसको सख्त अज़ाब का मज़ा चखाएंगे, यअमलून लहू मा यशा, वो बनाते उसके लिए जो भी वो चाहते, हज़रत सुलेमान जो भी कहते जिन्नात बनाते, मिन महारीब, बड़ी बड़ी इमारतें बनाते, व तमाफील, तस्वीरें बनाते, व जिफ़ानिन, और इसी तरीके से व जिफ़ानिन का जवाब, बड़े बड़े हौज़ बनाते, व क़ुदूर अर्रासियात, बड़ी बड़ी देगें ऐसी जो एक जगह जमी हुई होती थी, बड़ी बड़ी देगें खानों के लिए बनाई जाती, ए अमलू आल दाऊद शुक्रा, ए आले दाऊद, ए दाऊद के ख़ानदान और फैमिली, तुम सब अमल करो शुक्र करते हुए अल्लाह का, वक़लील मिन इबादी शुक्र, और मेरे बंदों में से कितने, बहुत थोड़े ऐसे हैं जो शुक्र करने वाले, फलम्मा क़दैना अलैहिल मौता, जब हमने फ़ैसला कर दिया उनकी मौत के बारे में हज़रत सुलेमान का, मा दल्लहुम अला मौतिही इल्ला दाब्बतुल अर्द, नहीं पता दिया उसकी मौत का मगर एक ज़मीन के कीड़े ने, तकुलु मिन सहता तकुलु मिन सहता, वो खाता था उसके आसा को, उसकी लाठी को। उलमा बयान करते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तामीर करवा रहे थे, जिन मौजूद थे, आप लाठी के सहारे खड़े हुए थे तो आपकी मौत का वक्त आ गया, अल्लाह ने आपको उठा लिया, अपने पास बुला लिया, अब आप खड़े हुए हैं, जिन्हों ने लगा शायद वो हमारी निगरानी कर रहे हैं, वो बेचारे बनाते रहे, सारा काम करते रहे, जब काम मुकम्मल हो गया तो एकदम अल्लाह ने एक कीड़े को हुक्म दिया जिसने जाके उनकी लाठी को खाया और वो लाठी टूटी और वो गिर गए, तो जैसे गिरे उनको पता चल गया क्या ये तो फौत हो चुके, तो उसके बाद उन्होंने कहा फलम्मा खर्रा तबय्यनत जिन्नु, जब वो गिर पड़े तो जिन्नों पर हकीकत खुल गई, अल्लाउ कानु यअलमून अलगैबा, वो कहने लगे हाय काश हमें गैब का पता होता, मा लबिथू फिल अज़ाबिल मुहीन, तो हम ना पड़े रहते इस रुस्वा को नज़ाब में, ये जो हमने अज़ियत बर्दाश्त किया हम इस अज़ियत में ना रहते, इससे पता चला कि जिन्नों को भी गैब की खबरें नहीं होती, क्योंकि गैब की खबर सिर्फ अल्लाह के पास। लक़द कान अली सबा इन फ़ी मस्कनिहिम आया, यकीनन कौम सबा के घरों में तुम्हारे लिए एक निशानी है, जन्नतान यानी यमीनन, दो बाग दाई तरफ थे, वो शिमाली ही और बाई तरफ,
कुल्लू मिर रिस्क रब्बिकुम, खाओ अपने रब के रिस्क की तरफ से, वश्कुरू लहू और शुक्र का अदा करो उसका, बल्दतुन तय्यिबतुन कितना पाकीज़ा शहर है, व रब्बुन गफूर और तुम्हारा रब कितना बख्शने वाला और रहम करने वाला है। तो अल्लाह ने कहा कि कौम सबा को अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा फरावानी अता की थी, मालो दौलत बागात थे, बड़े पहाड़ों के दरमियान, इधर भी बागात इधर भी बागात, अल्लाह कहते थे, अल्लाह ने उनसे कहा खाओ पियो अपने रब का शुक्र अदा करो। फ़अअरदू, उन्होंने एराज़ किया, फ़अरसलना अलैहिम सैलल अरीम, तो हमने उनके ऊपर सैलाब बांधा, बंधा हुआ सैलाब था, यानी एक जगह पे जब पानी जिस तरह कोई डैम बनाते हैं इस तरीके से उन्होंने बंद किया हुआ था पानी, वो टूटा और उनके ऊपर सैलाब आ गया। वबदलनाहुम बिजन्नतैहिम, और हमने उनके बदल दिए उनके बागात को, जब उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की तो अल्लाह ने कहा हमने उनके ऊपर सैलाब भेजा और उनके बागात बदल गए, किन में, ज़वातै उकुलिन खम्तिन, बदमज़े मेवे वाले हमने, यानी ऐसा हमने दो और उसकी जगह पर आ गए बागात जो बड़े बदमज़े फल वाले थे, व असलिन व शईन, और झाड़ियों वाले थे, व शईन मिन सिदरिन कलील, और कुछ बेड़ियाँ रह गई थी, जो कुछ बेड़ी के कुछ बेरी वाले जो दरख्त हैं वो रह गए थे, यानी सारे जो उनके बड़े बड़े बागात थे ख़त्म हो गए और कुछ झाड़ियाँ रह गईं और कुछ बेरी के दरख्त रह गए, बस सब कुछ ख़त्म हो गया। दालिक जज़ैना हुम बिमा कफ़रू, ये हमने उनको सजा दी जो उन्होंने कुफर किया उसकी वजह से, वहल नुजाज़ी इल्लल कफूर, और नहीं हम सजा देते मगर नाशुक्र लोगों को, व जअलना बैनहुम व बैनल कुरा अल्लती बारकना फ़ीहा, और हमने बनाया उनके दरमियान और हमने आबाद की उनके दरमियान बस्तियाँ, अल्लती बारकना फ़ीहा, जिनमें हमने बबरकत, जिनको हमने बड़ा बबरकत बनाया, कुरन ज़ाहिरतन, ऐसी बस्तियाँ जो एक दूसरे से मिली हुई थी, वक़द्दरना फ़ीहा सैर, और हमने उनके अंदर बहुत ज़्यादा आमदोरफ़ मुकर्रर कर दिया, आपस में आना जाना उनके लिए आम कर दिया, सीरू फ़ीहा, तुम चल के देखो उनमें, लयालिया व अय्यामन, रातों को और दिनों में, आमिनीन, अमन के साथ, फ़क़ालू रब्बना बाइद बैन असफ़ारीना व ज़लमू अनफुसहुम, और उन्हें कहा ए अल्लाह हमारे सफ़रों के दरमियान लंबी मुद्दत तय, यानी लंबी मुद्दत का फासला हमारे सफ़रों के दरमियान बढ़ा दीजिए, व ज़लमू अनफुसहुम, और उन्होंने अपनी जानों पर ज़ुल्म किया, फ़जअलनाहुम अहादीस, तो हमने उनको अफसाने बना दिया, वमज़्ज़क़नाहुम कुल्ला मुमज़्ज़क़, और हमने उनको टुकड़े टुकड़े कर दिया, इन नफ़ी ज़ालिका लआयातिल लिकुल्लि सब्बारिन शकूर, इसमें निशानियाँ हैं हर बड़े सब्र करने वाले और शुक्र करने वाले, यानी अल्लाह ताला ने उनको सफ़र भी उनके लिए आरास्ता कर दिए, आसान कर दिए, उनके लिए बस्तियाँ ऐसी बनाई जहाँ पर वो जाके सफ़र भी कर सकते थे, और उन्होंने लंबे लंबे सफ़र भी किए और फ़ायदे भी उठाए, और उन्होंने अल्लाह ताला से दुआएँ भी मांगी, लेकिन जब उन्होंने एराज़ किया और कुफ़र किया तो अल्लाह कहते हैं हमने उनको टुकड़े टुकड़े कर दिए। वलक़द सद्दक़ अलैहिम इब्लीस, और यकीनन सच कर दिखाया उन पर इब्लीस ने, वन्नहु अपना गुमान, जो इब्लीस ने अपना प्लान बनाया हुआ था और जो उसका गुमान था कि मैं इनको गुमराह कर सकता हूँ, उसने सच कर दिखाया, फत्तबऊहू, वो सब उसके पीछे लग गए, इल्ला फरीक मिनल मुमिनीन, सिवाय एक गिरोह के जो ईमान वाले थे, वमा काना लहू अलैहिम मिन सुल्तान, और ना था और नहीं थी इब्लीस के पास उन पर कोई सुल्तान, कोई दलील, उनके ऊपर कोई जोर नहीं था उसका, इल्ला लिनअलमा, मगर ये कि हम ताकि जान लें, मन युमिनु बिल आखिरती, कौन ईमान लेके आता है आखिरत पे, मिम्मन हुआ मिन्हा फी शक, उसमें से जो शक में मुबतला है। अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जो इब्लीस है उन्होंने इसको गुमराह किया, और अल्लाह ताला ने कहा कि उनके ऊपर कोई भी इख्तियार नहीं था उस इब्लीस का, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको गुमराह करने का मौका इसलिए भी दिया ताकि अल्लाह ताला ये जान ले कि ईमान वाला कौन है और शक में पड़ा कौन है। वरब्बुका अला कुल्ली शयइन हफीज, और तेरा रब हर चीज़ पर निगहबान है। कुल इदउ अल्लज़ीन ज़अमतुम, फरमा दीजिए पुकारो उन लोगों को, ज़अमतुम मिन दूनिल्लाह, जो तुम गुमान करते हो तुम्हारे माबूद हैं अल्लाह के सिवा, ला यमलिकून मिसक़ाला ज़र्रतिन, नहीं वो मालिक किसी भी चीज़ के, एक ज़र्रे के भी, फिस समावाती वला फिल अर्ध, ना आसमानों में और ना ज़मीनों में, वमा लहुम फीहिमा मिन शिर्क, और ना आसमानों ज़मीन में उनका कोई भी शरीक नहीं है, वमा लहु मिनहुम मिन ज़हीर, और नहीं है उनका अल्लाह के खिलाफ कोई मददगार, वला तनफ़ु शफ़ाअतु इंदहु इल्ला लिमन अज़िनला, और नहीं नफ़ा देती सिफारिश करने वाले को उसके पास कोई सिफारिश, इल्ला लिमन अज़िनलहु, मगर ये के जिसकी अल्लाह ने इजाज़त दे दी, यानी कोई सिफारिश अल्लाह के पास किसी को फ़ायदा नहीं देती मगर जिसकी अल्लाह ने खुद इजाज़त दी हो, हत्ता इदा फुज़िया अन कुलूबिहिम, जब दूर कर दी जाती है उनके दिलों से घबराहट को, कालू मादा, वो कहते हैं क्या कहा, काल रब्बुकुम, तुम्हारे रब ने, कालुल हक, वो कहते हैं हक कहा, वहु अल अलीयुल कबीर, और वो बहुत बुलंद मरतबे वाला और बुजुर्गी वाला। यहाँ पर अल्लाह ताला उलमा बयान करते हैं, अहादीस मौजूद हैं सही, फरिश्ते जो है ना जब भी अल्लाह ताला कोई वही नाजिल करते हैं तो हदीस में आता है कि फरिश्तों पे बहुत घबराहट तारी हो जाती है एकदम, और बकायदा जब जब वही नाजिल होती है तो अल्लाह सबसे पहले आसमानों पे वही करते हैं, नाजिल करते हैं, और कुछ हदीसे से पता चलता है कि फरिश्ते बेहोश हो जाते हैं एकदम, इनके ऊपर अल्लाह का ऐसा खौफ और ऐसी हैबत आती है, ऐसा रोब जारी होता है कि वो सारे गिर के बेहोश हो जाते हैं, और एक हदीस में आता है बहुत घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं सारे, और परेशानी के अंदर अपने पर फड़फड़ाने लगते हैं, जिस तरह होता है ना परिंदा जो है
अपने पर फड़फड़ाने लगता है जब वो परेशान होता है और वो उड़ने की कोशिश करता है, इस तरीके से वो परेशानी के आलम में अपने पर फड़फड़ाते हैं। ये फरिश्तों की बात की हदीस में आता है, सही हदीस हैं, सही बुखारी मुस्लिम की हदीसें। अब जब अल्लाह की तरफ से वही नाजिल होती है तो उनकी ये जब हालत होती है तो उसके बाद जब अल्लाह ताला अपनी वही नाजिल कर देते हैं, थोड़ी देर बाद जब उनकी घबराहट दूर होती है या फिर वो बेहोशी के बाद होश में आते हैं तो फिर वो एक दूसरे से पूछते हैं, कालू मादा काल रब्बुकुम, तुम्हारे रब ने क्या कहा था, वो क्या वही नाजिल हुई थी। तो फिर खुद ही, बल्कि एक और हदीस में आता है, जिब्रील आके उनको बताते हैं, उनको उठाते हैं तो कहते हैं, जिब्रील तुम्हारे रब ने क्या नाजिल किया, फिर खुद ही कहते हैं कि जो भी नाजिल किया वो हक नाजिल किया। तो ये आयत उसकी तरफ इशारा कर रही है, वो बहुत बुलंदी मर्तबे वाला और बहुत बुजुर्गी वाला। कुल मन यरज़ुकुकुम मिन समावाती वल अर्ध, कह दीजिए कौन है जो तुम्हें रिस्क देता है आसमानों से, वल अर्ध और ज़मीन से, कुल अल्लाह, खुद ही फरमा दीजिए अल्लाह ही रिस्क देता है, व इन्ना और बेशक हम, औ इय्याकुम या तुम ही, ला अला हुदन औ फी ज़लाल मुबीन, शायद हिदायत पर हैं या फिर खुली गुमराही पर। देखो दो ही ऑप्शन हो सकती हैं, या तो रहनुमाई है या फिर गुमराही है। तो या तो हम रहनुमाई में हैं या तुम रहनुमाई में हो, या हम गुमराही में हैं या तुम गुमराही में हो। कुल ला तुसअलून अम्मा अजरमना, उनसे कह दीजिए हमसे नहीं सवाल किया जाएगा, नहीं तुमसे सवाल किया जाएगा उसके बारे में जो हमने गुनाह किए, जो हमसे जुर्म और गलतियाँ हुई उसके बारे में तुमसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। वला नुसअलु अम्मा तअमलून, और नहीं हम ना हमसे पूछा जाएगा जो तुम अमल करते थे। कुल यजमाउ बैनना रब्बुना, कह दीजिए हमारा रब जो है हमें उस दिन इकट्ठा करेगा। थुम्मा यफ्तहु बैनना बिलहक, फिर वो हमारे दरमियान हक के साथ फैसला करेगा। वहु अल-फत्ताहुल अलीम, और वही फैसला करने वाला जानने वाला है। कुल अरूनी अल्लज़ी अलहक्तुम, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको फरमा दीजिए मुझे दिखाओ वो, अलहक तुम भी शुरका, जिसने जो तुमने मिलाए हैं अल्लाह के साथ शरीक, वो ज़रा खुदा तो मुझे दिखाओ जिनको तुम अल्लाह के साथ मिलाते हो। कल्ला, हरगिज़ नहीं, बल वल्लाहु अज़ीज़ वल हकीम, बल्कि वही अल्लाह है जो गालिब है और हिकमत वाला है। वमा अरसलनाक इल्ला काफ़तन लिन्नास, और नहीं हमने आपको रसूल बना के भेजा मगर तमाम लोगों के लिए, बशीरन व नदीरा, डराने वाला, खुशखबरी देने वाला। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। वह यकूलून, वो कहेंगे, मता हाज़ल वादु, वो कहते हैं कि ये वादा कब आएगा, क़यामत का वादा कब आएगा। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। कुल लकुम मीआदु यौम, फरमा दीजिए तुम्हारे लिए एक दिन वादा मुकर्रर है। ला तस्तअखिरून अनहु साअतन, जब वो आ जाएगा तो फिर वो एक, जब उसका वक्त आएगा तो ना फिर एक घड़ी भी वो आगे पीछे होगा। वला तस्तकदिमून, ना वो पीछे होगा ना वो एक घड़ी भी आगे होगा। वकाल अल्लज़ीना कफरू, और कहा उन लोगों ने जिन्होंने कुफर किया, लन्नु मिन बिहादल कुरान, हम इस कुरान पर ईमान नहीं लाते, कभी भी नहीं लेके आएंगे। वला बिल्लज़ी बैना यदी, और ना कभी हम ईमान लेके आएंगे जो किताबें इससे पहले नाजिल हुई। वलौ तरा इज़ ज़ालिमूना, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश आप देख लें उन ज़ालिमों को, मौकूफून इंद रब्बिहिम, जब वो अपने रब के सामने खड़े होंगे। यरजिउ बअदुहुम इला बअदिन अल-क़ौल, एक दूसरे की बातों को रद्द कर रहे होंगे। एक बंदा उसके खिलाफ क्लेम करेगा, वो उसको रद्द करेगा, आपस में एक दूसरे के खिलाफ ब्लेमिंग गेम अल्लाह के सामने कर रहे होंगे। यकूलुल लज़ीन इस्तुज़ईफू, कमज़ोर लोग कहेंगे, लिल्लज़ीन इस्तकबरू, मुतकब्बिर लोगों को, लौला अंतुम, अगर तुम ना होते, लकुन्ना मोमिनीन, तो आज हम मोमिन होते, आज हम अच्छे होते अगर तुम ना होते, तुम्हारी वजह से हम गुमराह हुए। قال الذين استكبروا للذين استضعفوا, متكبر لوگ کہیں گے ان کمزوروں کو, نحن صددناكم عن الهدى, کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا, بھئی تمہارے پاس جب ہدایت آگئی, بعد اذ جاءكم, ہدایت تمہارے پاس آگئی تو ہم نے تمہیں زبردستی تو نہیں روکا تھا, بل کنتم مجرمین, بلکہ تم مجرم تھے, خود آئے تھے چل کے ہمارے پاس. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا, کمزور لوگ کہیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے تکبر کیا, بل مكر الليل والنهار, تمہاری دن رات کی جو چالیں تھیں, استأمروننا, جب تم نے ہمیں حکم دیا تھا یا تم حکم دیتے تھے, ان نکفر باللہ, کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں, ونجعل له اندادا, اور ہم اس کے ساتھ شریک ٹھہرائیں. لیکن یہ ساری باتیں جب چل رہی ہوں گی, اللہ کہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں آپس میں کرتے رہیں گے بس. واسر الندامت لما راب العذاب, جب اللہ کا عذاب آئے گا تو پھر کیا کریں گے, پھر اپنی ندامت کو, اپنی شرمندگی کو چھپائیں گے اس کو دیکھتے ہوئے. وجعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا, اللہ کہتے ہیں ہم ان کی گردنوں میں, کافروں کی گردنوں میں توق ڈال دیں گے. حل یجزون الا ما کانوا یعملون, نہیں سزا دیے جائیں گے مگر وہ جو عمل کیا کرتے تھے برے. وما ارسلنا فی قرية من نذیر, اور نہیں ہم نے بھیجے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا. الا قال مترفوها, مگر اس کے خوش حال لوگوں نے کیا کہا, انا بما ارسلتم به کافرون, جو بھی تم لے کے آئے ہو ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں. وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا, انہوں نے کہا کہ ہمیں تو بہت زیادہ مال و دولت ملی ہے. وما نحن بمعذبین, اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا. میں نے آپ کو بتایا نا کہ جیسے ایک سائیکی ہے, ایک مینٹیلٹی ہے, اگر دنیا کے اندر مجھے آرام, جو بندہ سمجھتا ہے نا کہ مجھے اگر ایک جگہ پہ آرام اور آسائشیں مل گئی ہیں, دولت مل گئی, مال و دولت مل گئی ہے, وہ سمجھتا ہے اب ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا, اللہ کے سامنے جاؤں گا تو مجھے بھی وہیں پہ ملے گا. تو انہوں نے کہا ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا.
कुल कह दीजिए इन रब्बी यबसुतुर रिज़्क लिमन यशा व यक़दिर, अगर अल्लाह ने तुम्हें जो रिस्क दिया है ये अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह जिसको चाहे रिस्क दे देता है, वह यक़दिर जिसको चाहता है अल्लाह कम कर देता है, वलाकिन अक्सर अन्नास ला यअलमून, अक्सर लोग नहीं जानते। वमा अमवालुकुम वला औलादुकुम, और ना तुम्हारे माल और ना तुम्हारी औलाद, बिल्लती तुक़र्रिबुकुम इंदना ज़ुल्फ़ा, वो तुम्हें अल्लाह के यहाँ एक दर्जा भी आगे नहीं बढ़ा सकते। किसी बंदे का कोई माल हो, कोई औलाद हो, जितना मर्जी वो मालदार हो, उसकी वजह से, सिर्फ उस माल और दौलत की वजह से वो अल्लाह के पास एक दर्जा भी ऊंचा नहीं जा सकता। इल्ला मन आमना, सिवाय वो बंदा हाँ जो ईमान लेके आया, वो आमिल सालिह, उसने नेक अमल किए, फउलाइका लहुम जज़ाउ ज़िफ़ी, ऐसे लोगों के लिए दुगनी जजा और दुगना अजर होगा, बिमा आमिलू अपने उनके अमाल की वजह से, वहुम फिल गुरफ़ात आमिनून, और वो गुरफ़ात यानी बालाखानों में जन्नत के महल्लात में अमन के साथ होंगे। वल्लज़ीना यसअउन फ़ी आयातिना मुआजिज़ीना, वो लोग जो कोशिश करते हैं हमारी आयात में कि उनको आजिज़ कर दें, उलाइका फिल अज़ाबी मुहदरून, वो अज़ाब में हाज़िर किए जाएंगे। कुल इन रब्बी यबसुतुर रिज़्क़, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दीजिए मेरा रब वो कशादा करता है रिस्क को, लिमन यशाउ, जिसके लिए वो चाहता है, मिन इबादिही व यक़दिरुल, अपने बंदों में से उसके लिए चाहता है, उसको तंग कर देता है। वमा अनफ़क़्तुम मिन शैइन फ़हुवा युख़लिफ़ु, जो भी तुम खर्च करते हो वो तुम्हें उसकी जजा दी जाएगी, उसका तुम्हें बदला दिया जाएगा, वहुवा खैरुर राज़िक़ीन, और वो बेहतरीन रिस्क देने वाला है। वयौम यहशुरुहुम, और जिस दिन वो जमा करेगा उनको, जमीअन सब के सब को, थुम्मा यक़ूलु लिल मलाइकति, फिर वो फरमाएंगे, फिर फरिश्तों को कहेगा, अहा उलाई इयाकुम कानू याबुदून, क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरिश्तों को भी पेश करेंगे, जैसे देखें आपने पहले रसूलों को पेश किया कि तुम बताओ क्या तुमने इनको इस तरफ लगाया जिस तरफ ये लगे होंगे, रसूल कहेंगे अल्लाह हमने तो तेरी वही पहुँचाई, फिर अल्लाह फरिश्तों को बुलाएंगे, अल्लाह कहेंगे फरिश्तों तुम्हें भी ये खुदा बनाते थे, मेरी बेटियाँ बनाया हुआ था, क्या तुमने इनको गुमराह किया था। क़ालू सुबहानक, वो कहेंगे अल्लाह तू पाक है, अंत वलीयुना मिन दूनिहिम, तू हमारा मददगार है इनके ख़िलाफ़ इनके सिवा, बल्कानू याबुदून अल-जिन्ना, असल में ये जिन्नों की इबादत किया करते थे। इससे पता चला कि जिन्नात जो हैं वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं, वो भी डरा के, और आगे सूरतुल जिन के अंदर भी अल्लाह ताला ये बयान करेंगे कि जिन्नात जो हैं अक्सर औकात वो डराते हैं और अपने पीछे लोगों को लगा देते हैं अपने खौफ की वजह से, और बाज़ औक़ात वो क्या करते हैं, अनहोनी चीज़ें दिखाते हैं इंसान को। ये जो बुत होते हैं ना, ये अजीब बात मैं आपको बताऊँ, कई दफ़ा ऐसा होता है कि ये बुत जो हैं और ये इस तरह की चीज़ें होती हैं, इनके इर्द गिर्द कुछ ऐसे अजीब व गरीब और अनोखे वाकयात होते हैं एक्चुअल में, जिनकी वजह से लोगों का ईमान इनके ऊपर मजबूत होता है, वरना अगर ये फजूल हो, कोई फ़ायदा ना हो और आके इनको नुकसान ही नुकसान मिले तो लोग बेवकूफ़ हैं उनके पास जाएँ। एक्चुअल में शयातीन मौजूद होते हैं, जन्नात मौजूद होते हैं, इसीलिए फरिश्ते कहेंगे बल्कानू याबुदून अल-जिन्ना, बल्कि असल में वहाँ पर जन्नात है। बल्कि अहादीस के ऐसे वाकयात भी मिलते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फतह मक्का के बाद आपने कुछ सहाबा को भेजा तो उन्होंने जाके एक बुत को तोड़ा, तो उस बुत के अंदर या उस बुत के इर्द गिर्द एक अजीब सी मखलूक सी थी, लंबे लंबे बालों वाली अजीब सी चीज़ निकली उस बुत के अंदर से। तो सहाबी गालिबन हज़रत खालिद बिन वलीद थे, कौन से सहाबी थे, उनको भेजा, उन्होंने बाद में बकायदा उस कत्ल कर दिया उसको, तो बकायदा बुत के अंदर से ऐसी चीज़ें निकलती थी, तो थी ऐसी मौजूद और होती भी हैं, और आज बहुत से लोग ये काम भी करते हैं। आप बाज़ औक़ात उनको नुकसान पहुँचाना चाहें तो बाज़ औक़ात वो आपके ऊपर, मिसाल के तौर पर ऐसे मैंने एक्चुअल में वाक़या देख, एक बंदे कुछ लोग हैं, एक बंदा था मेरे अपने परदादा के साथ का वाकया कि उनके सामने एक बंदा था, उसने ना ये दूध जो है वो दूध देते थे, आपको पता है ये फलां किसी 11वीं शरीफ वगैरह के लिए दूध उन्होंने मुख्तस किया हुआ था, तो उन्होंने कहा कि आप क्यों दूध देते हैं, दूध तो अल्लाह ताला के नाम पे देना चाहिए, किसी भी जानदार के लिए अल्लाह के अलावा ऐसी चीज़ें डेडिकेट करना ये तो गलत है। तो उसने कहा कि अगर हम नहीं दें तो खून आ जाता है, और ये बड़ी बात कॉमन है, आपने सुनी होगी बड़ी दफ़ा। तो उन्होंने कहा अच्छा करके देखो, उन्होंने कहा ठीक है आपको करके दिखाते हैं, उन्होंने दूध धोने की कोशिश की तो वाकई खून आना शुरू हो गया। उन्होंने फिर बाद में आयतुल कुर्सी पढ़ी और जो अज़कार किए, और उनके साथ दोबारा उन्होंने कहा कि आप दोबारा करो, तो दोबारा किया तो दूध निकलना शुरू हो गया। तो एक्चुअली शयातीन इन्वॉल्व होते हैं, ये समझ लें। असल में इन्होंने कहा ना बल्कानु याबुदून अल-जिन्ना, बल्कि जिन्नों की इबादत करते थे, अक्सर हम बिमुमिनीन, और इनमें से अक्सर उन पर एतकाद रखते थे। फलयौम ला यमलिकु बअदुकुम लिबअदिन नफ़अ वला ज़र्रा, सो आज कोई इख्तियार नहीं रखता, बअदुकुम लिबअदिन, तुम में से बाज़ दूसरे के लिए, नफ़अ वला ज़र्रा, किसी नफ़े का और ना किसी नुकसान का, आज तुम में से कोई बंदा दूसरे को फ़ायदा नहीं दे सकता ना नुकसान दे सकता। व नक़ूलु, और हम कहेंगे, लिल्लज़ीना ज़लमू, उन लोगों को जिन्होंने ज़ुल्म किया, ज़ूकु अज़ाबन नार, चखो तुम आग का अज़ाब, अल्लती कुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून, जिनको तुम झुटलाते थे। व इज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनात, और जब पढ़ी जाती हैं उन पर हमारी आयात वाज़े रोशन, क़ालू मा हाज़ा इल्ला रजुलुन युरीदु अन यसुद्दकुम, वो कहते हैं कि ये बंदा सिर्फ इसका इरादा ये है कि वो तुम्हें रोक दे, अम्मा काना याबुदु आबाउकुम, उन इबादतों से, उन माबूदों से रोक दे, उनके रस्ते से दूर कर दे जिनकी तुम्हारे आबाओ अजदाद इबादत किया करते थे। व क़ालू मा हाज़ा इल्ला इफ़्कुम मुफ़्तरा, और वो ये भी कहते हैं कि ये तो इसने झूठ गढ़ा हुआ है।
وقال الذين كفروا للحق اور کہتے ہیں کافر حق کے لیے حق کے بارے میں لما جاءهم جب حق ان کے پاس آ جائے ان هذا الا سحر مبين یہ تو کھلا جادو ہے وما آتيناهم من كتب يدرسونها اور نہ دی ہم نے انہیں کتابیں کہ وہ انہیں پڑھیں وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر اور نہیں ہم نے آپ سے پہلے کوئی نذیر ڈرانے والا بھیجا اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے اوپر کوئی کتاب نازل نہیں کی اور نہ کوئی ڈرانے والا آپ سے پہلے بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کی بات ہو رہی وکذب الذین من قبلہم اور جھٹلایا انہوں نے جو ان سے پہلے تھے یعنی پہلے بھی یہودی عیسائیوں نے اپنی کتابوں کو جھٹلایا وما بلغوا معشار ما آتیناہم اور نہ پہنچا دسواں حصہ جو ہم نے ان کو دیا تھا یعنی انہوں نے اس کا دسویں حصے پر بھی عمل نہیں کیا جو ہم نے ان کو عطا کیا تھا فکذبوا رسلی انہوں نے جھٹلایا ہم میرے رسولوں کو فکیف کان نکیر تو کیسا تھا میرا عذاب قل انما اعیدکم کہہ دیجئے کہ میں نصیحت کرتا ہوں تمہیں بواحدت ایک بات کی ان تقوموا للہ مثنا وفرادا کہ تم کھڑے ہو جو اللہ کے لیے دو دو ہو کے یا ایک ایک ہو یعنی دو دو ہو کے اللہ کے لیے یعنی آپس میں مل جاؤ گروپس بنا لو ثم تتفکروا پھر غور و فکر کرو کس کے بارے میں نبی کے بارے میں ما بھی صاحبی کو من جننا یعنی ایک دوسرے سے مشورہ کر کے دیکھو اور کہو کیا واقعی یہ نبی کو کوئی جنون ہے تمہارا نبی جو ہے تمہارا ساتھی ہے اس کو کوئی جنون نہیں ان ہوا الا نذیر لکم بے شک وہ ڈرانے والا ہے تمہیں بین یدی عذاب شدید سخت عذاب سے پہلے قل ما سألتکم کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں میں تم سے سوال کرتا کسی اجر کا فہو لکم وہ تمہارا ہے ان اجری الا علی اللہ میرا اجر تو اللہ پر ہے کوئی بھی تمہارے سے اجر کا سوال نہیں کرتا سب کے سب مال و دولت تو تمہارے لیے میرا اجر تو اللہ کے اوپر ہے وہو علی کل شیء شہید وہ ہر چیز پر نگہبان ہے قل ان ربی یقذف بالحق اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے ڈالتا ہے میرا رب اوپر سے ڈالتا ہے حق کو میرا رب حق بھیجتا ہے علام الغیوب وہ سب غیبوں کو جاننے والا ہے قل جاء الحق کہہ دیجئے آ گیا حق وما یبدی الباطل وما یعید اور نہ پیدا کرے گا باطل اور نہ ہی وہ لٹائے گا قل ان ضللت اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اگر میں گمراہ ہوں فانما اضل علی نفسی تو میری گمراہی کا نقصان میری جان کے خلاف ہے وان اہتدیت اور اگر میں ہدایت پر ہوں فبما یوحی الی ربی تو اس وجہ سے ہے کہ میرے رب نے میرے اوپر وحی کی میرے رب کی ہدایت وحی کی وجہ سے میں ہدایت پر ہوں انہ سمیع قریب وہ سننے والا اور قریب ہے ولو ترى اذ فزعوا کاش تم دیکھو جب وہ گھبرائیں گے فلا فوت و اخذوا اور نہ بچ سکیں گے اور پکڑ لیے جائیں گے من مکان قریب قریب جگہ سے جب اللہ کا عذاب دیکھیں گے جہنم دیکھیں گے گھبرا اٹھیں گے لیکن اس ٹائم ان کو پکڑ لیا جائے گا قریب سے وقالوا آمنا بہ وہ کہیں گے ہم اب ایمان لے کے آئے وانا لہم التناوش من مکان بعید اور کہاں ان کے لیے پکڑنا من مکان بعید دور کے یعنی کیا ان کا فائدہ اس ایمان کا ان کو اس وقت پکڑ لیا جائے گا وقد کفروا به من قبل اور یقیناً انہوں نے کفر کیا اس سے پہلے ویقذفون بالغیب من مکان بعید اور وہ پھینکتے ہیں غیب بن دیکھے دور مکان سے یعنی فضول باتیں کرتے ہیں دور سے دور کی لمبی چھوڑتے ہیں وحیل بینہم وبین ما یشتہون اور حائل کر دی جائے گی ان کے درمیان اور وہ جو پسند کرتے ہیں کما فعل باشیاعہم جیسا کہ کیا گیا ان سے پہلے ان سے پہلے گروہوں کو جو ان جیسے تھے انہم کانوا فی شک مریب بے شک وہ شک میں تردد میں مبتلا تھے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب ان کے سامنے عذاب آئے گا تو یہ بھاگنے کی کوشش کریں گے اور ان کو پکڑ لیا جائے گا قریب سے اور پھر ان کے درمیان جو یہ چاہتے ہیں دنیا میں اور جو ان کی چاہتے اور امنگیں ہوں گی ان کے درمیان اللہ تعالیٰ حائل ہو جائیں گے اور ان کو دور کر دیا جائے گا اس سے اور ان کو اللہ تعالیٰ سخت دردناک عذاب دے گا اور ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جس طریقے سے پہلی قوموں کے ساتھ کیا گیا وہ سب شک اور مبتلا تردد میں مبتلا تھے اور اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو پکڑا اور انہوں نے اس کا فائدہ نہ اٹھایا تو یہاں پہ ہم انشاءاللہ اپنا ختم کرتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ